चलिए जी, हम लोग कल थोड़ा सा मानव में या हमारे में स्वयं में चैतन्य पक्ष जो है उसके बारे में कुछ प्रारंभिक चर्चा हमने किया पिछले बार भी। पिछले बार का मतलब उसके पूर्व के सत्र में, पिछले वीकेंड को हमने उस पर थोड़ा सा और एक्सप्लोरेशन किया था। मैं उसको एक बार स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ इधर। हम मोटे रूप में ये कह रहे हैं कि हमारा जो पूरा जीवन है, जिसको हम मानते हैं कि मैं हूं, दुनिया ऐसी है, मुझे ये करना है, वो करना है, हमारा सुख दुख सारा यहाँ जो क्रियाएं हो रही है इसके आधार पर तय होता है। मैंने ये भी कहा कि आगे जब हम अध्ययन करेंगे हम देखेंगे कि ये जो पूरी जगह है लगभग 108 अलग अलग फंक्शन से पॉपुलेटेड है। अभी के लिए हम इसके जो मूल जो क्रियाएं हैं इसको हमने देखा, तो दो सेट ऑफ क्रियाएं दिख रही है। एक लेफ्ट में दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं स्थिति क्रिया, इसका नाम है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन क्रियाओं का उद्देश्य है समझना। और जो राइट में क्रियाएं लिखी है इसको हम कहते हैं परावर्तन या गति क्रिया। इनका जो उद्देश्य है यह है प्रभावित करना। तो एक तरफ से मैं समझता हूं, दूसरी तरफ से मैं प्रभावित करता हूं। तो मन में मेरे पास समझने के लिए मन के स्तर से एक प्रकार का समझ और एक प्रकार का प्रभाव मैं कर पाता हूं। तो क्या समझ में आता है मन से? एक रुचिमूलक आस्वादन जब करते हैं तो पांचों इंद्रियों से, 5 सेंसेस से हमको जानकारी मिलती है दुनिया के बारे में, आदमी, गधा, घोड़ा, भोजन, कपड़ा, पुस्तक, सारा इंफॉर्मेशन यहां से आता है। दूसरा, फिर हमको कुछ भाव बनते हैं मानव के प्रति, इसको हम कहते हैं मूल्य मूलक आस्वादन। और तीसरा एक अनुभव होता है मन में, उसका नाम है लक्ष्य मूलक आस्वादन, जो हमारे जीने से मूल उद्देश्यों से जुड़ा रहता है। तो जो भी हम चयन करते हैं, चयन का मतलब एक चॉइस किया, तो ये चयन अभी शरीर के साथ होता है। तो हमारे अंदर जो आस्वादन है उसके अनुसार हम कोई चयन करते हैं। तो यदि रुचि मूलक आस्वादन आया तो उसके अनुसार चयन होगा, यदि मूल्य मूलक आस्वादन हुआ उसके अनुसार चयन होगा, है ना। दूसरा एक सेट ऑफ क्रिया है, उसको हम कहते हैं वृत्ति, उसका नाम है वृत्ति। वृत्ति में जो समझने वाली जो पक्ष है उसका नाम है तुलन, और जो प्रभावित करने वाली पक्ष है उसका नाम है विश्लेषण। तो तुलन में हम कहते हैं कि दृष्टि होता है देखने का विधि या तरीका। इसके दो सेट बताए गए, लेफ्ट में लिखा है प्रिय हित लाभ, राइट में लिखा है न्याय धर्म और सत्य। तो प्रिय हित लाभ जो दृष्टियां हैं इसके द्वारा अधिकांश जो हम देखते हैं वो इंद्रियों के द्वारा ही दिखता है। एक दूसरा, जो भी हम देखते हैं वो हमारे अनुसार सही गलत रहता है। तो उदाहरण के तौर पर किसी का व्यवहार मुझे अच्छा लग सकता है, किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लग सकता। तो मैंने व्यवहार किया ये मात्र से मुझ में न्याय की दृष्टि आ गई, ऐसा नहीं है। मैं न्याय के लिए प्रयत्न करता हूँ, न्याय के लिए प्रत्येक मानव में कामना है, रहता ही है, परंतु मैं अपने मान्यता के अनुसार उसको देखता हूँ। ये मान्यताएं कहाँ स्टोर्ड है, उस जगह का नाम है चित्रण। तो चित्रण एक बहुत ही विशाल और बहुत ही है ना शानदार क्रिया है। इसको जैसे जैसे हम और समझते हैं आगे तो आपको इसमें बहुत ही मजा आएगा, बिकॉज यू आर नोइंग योर सेल्फ, है ना, अपने आप के बारे में जान के सबसे अच्छा लगता है। तो चित्रण में हमारे पास बहुत सारी मान्यताएं रहती है, उसके अनुसार फिर हम यहाँ पर समझते हैं या तौलते हैं, बाहर संसार यहाँ पर खत्म हो जाता है। इससे बात जो है मेरे अंदर की संसार प्रारंभ हो जाती है। तो मेरे में जो तुलन की दृष्टि है उसके अनुरूप मेरे में विचार बनते हैं या विश्लेषण होता है। विश्लेषण का मतलब है एनालिसिस, एक सीरीज ऑफ एनालिसिस होता है। तो हम बोलते हैं आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग का मतलब
अलग अलग चित्र, अलग अलग कंडीशंस होते हैं, उसको आगे पीछे मैं करता हूँ। और ये बहुत फास्ट होता है, प्रतिदिन व्यवहार में होता है। जैसे मैं भी आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, जैसे आपके सामने मेरे अंदर इस शिविर या इसके बारे में कोई चित्र है, इस दर्शन के बारे में एक, दूसरी तरफ मेरे पास और एक चित्र है कि ऑडियंस कौन, इसके अनुसार मेरे में लाइव जो है उन चित्रों का विखंडन विश्लेषण होते जा रहा है, और उसमें चयन भी हो रहा है कि शब्दों का कौन से शब्दों को चुना जाए, कैसे बैठूं, ये सारा चयन होके रखा है। तो फिर मुझे इस समय सोचना पड़ेगा कि मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूं, क्या इसका कारण प्रिय है, ये भी हो सकता है, मुझे अच्छा लगता है शिविर लेना, या मैं अपना चेहरा जूम पे या यूट्यूब पे देखना चाहता हूँ या दिखाना चाहता हूँ, कोई गलत नहीं है, परंतु वो प्रिय हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, हित तो नहीं है, 2 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ के कोई हित तो होता नहीं, अहित ही होता है, लाभ भी नहीं है क्योंकि हम इससे पैसा नहीं कमा रहे, है ना, कोई पैसा भी कमा सकता है शिविर लेके। तो मेरे अंदर कोई एक इच्छा है जिसकी शायद दृष्टि लोगों से जुड़ने के कामना के साथ है, कि किन्हीं लोगों के साथ में जुड़ूं तो वह न्याय से संगत होगा, या ये दर्शन उपयोगी है ना, अन्य लोगों तक जाए तथा मेरा अपना भी अभ्यास हो, तो डुअल पर्पस, तो ये कोई भी हो सकता है। इस विधि से ये क्रियाएं अभी चलती है, सामान्य रूप से हमारे में न्याय धर्म सत्य की क्रियाएं नगण्य रूप से क्रियाशील होती है, जिस किसी में सत्य की दृष्टि क्रियाशील होती है वो फिर सत्य के खोज में लगता है, सत्य के अनेक स्तर हैं जिसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। व्यवस्था, धर्म का मतलब व्यवस्था, पूरा व्यवस्था, सत्य का मतलब क्या है क्या नहीं है, न्याय का मतलब है कि मनुष्य के साथ जीने का सही स्वरूप, तृप्ति का स्वरूप, पूरकता का स्वरूप, जो प्रत्येक व्यक्ति में कामना के रूप में है। तो हमको ये दिखता है कि प्रत्येक मानव में न्याय की याचना है, प्रत्येक मानव न्याय का याचक, हम अपने हिसाब से कुछ न्याय को माने, हर व्यक्ति अपने हिसाब से कोई न्याय को माने, तो झंझट उधर से प्रारंभ होता है, प्रत्येक व्यक्ति उत्तर चाहता है, समाधान चाहता है, समस्या नहीं चाहता है, उसकी जीने के प्रत्येक आयाम में समाधान चाहता है, यूक्रेन में समाधान चाहता है, धरती पर समाधान चाहता है, जुपिटर पर समाधान चाहता है। तो उस दृष्टि से कुछ यदि उत्पन्न होता है उसको हम कहेंगे धर्म, यहाँ जीने के जगह धर्म की दृष्टि का ये मतलब है। और सत्य दृष्टि के सक्रिय होने से मैं हूं या नहीं हूं, अस्तित्व है या नहीं है, अस्तित्व में क्या क्या है, वॉट एग्जिस्ट एंड वॉट डज नॉट, क्या देवी देवताएं होती हैं कि नहीं होती है, ईश्वर का स्वरूप होता है नहीं होता है, ईश्वर साकार है कि निराकार है, इन चीजों को पहचानने का हम प्रयत्न करते हैं ना, ये है सत्य की दृष्टि। तो आज के दिन यदि देखें तो ये एक से अधिक हो गया, मुझे किसी को म्यूट करना था, हो गया। तो आज के दिन समस्या क्या है, मेन इश्यू जो जीवन में है हमारे में, इसके बारे में ज्ञान नहीं है, कुल मिलाकर जो प्रॉब्लम है, इसीलिए हमको अधूरा ही दिखता है। ये प्रिय हित लाभ जो दृष्टियां हैं, ये भौतिक रासायनिक संसार को तथा उससे भिन्न संसार को भी भौतिक रासायनिक विधि से कैप्चर करने में बहुत सक्षम है। सो यू कैन स्टडी द मटीरियल वर्ल्ड वेरी वेल यूजिंग दीज दृष्टिज, है ना, प्रिय दृष्टि इंद्रिय मूलक है। तो एक सामने एक आदमी दिखता है तो मुझे उसका स्वरूप दिखता है, ये इसके पहले उसने मेरे साथ क्या किया नहीं किया, ये सब आता है, वो पूरा रुचि मूलक और प्रिय विधि से होता है। इसीलिए हम स्मरण करेंगे जो हमारा पहला दिन का जो चर्चा था पहला सत्र में, कि अभी हम मटेरियल भौतिक वस्तुओं के अध्ययन, उसकी उपलब्धि और उसको भोगने के लिए अधिक केंद्रित है, व्यवहार को समझने के लिए नहीं है, स्वयं को समझने के लिए उससे भी कम नहीं है, और आध्यात्मिकता तो बहुत दूर, 4 बॉक्स आपको स्मरण होगा। उसका कारण यह है कि हमारे में देखने की जो ताकत है वो अधूरा है, तो तुलन की दृष्टियां भी अलग अधूरे हैं, तो द सेम सीन विल लुक डिफरेंट टू मी बेस्ड ऑन व्हाट तुलन दृष्टि आई एम यूजिंग।
कोई जमीन दिखता है तो उसको अच्छा भी लग सकता है, योगा के लिए जगह भी दिखती है के रूप में भी लग सकता है, और उसके मूल में उसको पैसा भी दिख सकता है ना। हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ तो मुझे लगता है मेरे में धर्म की दृष्टि आ गई, परंतु ऑर्गेनिक खेती करके फिर मैं देखता हूँ कि मेरे में कितना पैसा आया नहीं आया, तो क्या बिना पैसे का एक आदमी जिएगा? ऐसा नहीं, मतलब बिना आमदनी का कोई तो रह नहीं सकता, परंतु ये भी हो सकता है कि मुझ में लाभ की दृष्टि हो। तो ये कुल मिलाकर जो नीचे आपको एक एल शेप का दिख रहा है चित्र के रूप में, जीवन या चैतन्य इकाई ऐसे बॉक्स में नहीं है, ये बॉक्स के द्वारा हमको उन क्रियाओं को पहचानना है। और कुछ क्रियाएं हम कह रहे हैं कि सुप्त हैं, जो अभी हमने प्रयोग किया ही नहीं, उनमें से एक मुख्य क्रिया है, उसका नाम है चिंतन। चिंतन क्रिया में क्या होता है, जो भी हम इच्छाएं करते हैं उसका आधार मिलता है, उसके पहले हमारे पास आधार नहीं है, निराधार है, बाहर से जो इंफॉर्मेशन आती है उसके अनुसार हमारे में चित्र बनते जाते हैं। तो मध्य दर्शन का जो सूचना जो मिल रहा है आपको वो भी वही होगा, क्योंकि आपका बनाया हुआ नहीं है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। तो उसके लिए फिर हमने कहा कि भाई इन क्रियाओं में ये ताकत है सही को पहचानने का, तो सही की पहली जो घंटी है जब बजती है उसका नाम है भास, इसका नाम है सत्य भास या धर्म भास या न्याय भास। तो ये न्याय धर्म सत्य जो दृष्टियां हैं या जो वस्तु है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक है, सार्वभौम है, सार्वकालिक है, प्रत्येक मानव के लिए एक है, आज पैदा हुआ बच्चे के लिए, कल मरने वाले आदमी के लिए, है ना, 1000 वर्ष पहले 1000 वर्ष बाद, सबके लिए एक ही है। सो द ट्रूथ इज द सेम फॉर एवरीवन। तो इन वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप को हम समझ लेते हैं, उस क्रिया का नाम है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब है आमने सामने सच्चाई को देखना, नॉट थ्रू सम मीडिएट। जैसे अभी क्या साक्षात्कार किसको कहते हैं, आम तौर पे हिंदी में आपका साक्षात्कार करना मतलब आमने सामने देखना, आई डोंट वांट योर डिस्क्रिप्शन, है ना, एक ही जैसे मैं आपको देखना चाहता हूँ, सो आई गेट अ बुक अबाउट यू, फिर मैं आपके बारे में पढ़ता हूँ, ये मीडिएट नॉलेज, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है मेरे लिए। फिर कोई आपके बारे में बताता है ये आदमी ऐसा है वैसा है, तो मेरे अंदर एक कल्पना बनती है, किसी दिन मैं आपको साक्षात देख लेता हूं, फिर आपके साथ व्यवहार भी करता हूं, तो फिर मेरे में वैलिडिटी होती है कि नहीं आदमी है। उसी रूप से ये जो वास्तविकताएं क्या वास्तविकता है, सत्य के रूप में जो भी वस्तुएं हैं इसको हम आगे देखेंगे, धर्म के रूप में जो भी वस्तुएं हैं, आपको याद होगा चार बॉक्सेस थे, उसमें हमने न्याय धर्म सत्य को आइडेंटिफाई किया था या उसका प्रयत्न किया था, इसको हम साक्षात्कार कर लेते हैं, ये निरंतर रहने वाली वस्तु है। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो इच्छा है उसके लिए एक रियलिस्टिक बेस मिलता है, रियलिटी में वस्तुएं जैसी है उसके अनुसार हमारे में चित्रण होता है, तब वो स्थिर होता है, उसके पहले अस्थिर होता है। अस्थिर होता है तो उल्टा पुल्टा मानेगा, उल्टा पुल्टा मानेगा तो क्या मानेगा, एक तो सोचेगा कि खा के सुखी हो जाऊं, पी के सुखी हो जाऊं, कपड़ा पहन के सुखी हो जाऊं, कपड़ा उतार के सुखी हो जाऊं, तो पूरी भौतिकवादी संसार समझने के जगह उसी भौतिक संसार को समझूंगा, भोगने के जगह उसी भौतिक संसार को भोगूंगा, व्यवहार करते समय मनुष्य को भी एक भौतिक वस्तु के रूप में ही देखूंगा, मेरे सारे आयाम भौतिक विधि से ड्रिवन होंगी, एक सो पार्शियल साइट, दूसरा बिकॉज इट इज पार्शियल इट इज प्रोन टू बिलीफ, तो बिलीव्स के बेस पे बहुत सारी मेरे अंदर चीजें होंगी, तीसरा क्योंकि ये दो है तो उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे, बिकॉज बहुत सारे मेरे इच्छा या चित्रण या चित्र मेरे में, ये अस्तित्व जैसा है उसके विपरीत भी होता है, तो मैं मार खाऊंगा। तो नेचर में, प्रकृति में, अस्तित्व में जो नियम है उसके विपरीत मैं जब भी कुछ करने जाता हूं तो मुझे मार पड़ेगी। मार पड़ेगी क्या मतलब, मेरे अंदर कुछ हलचल होगी या बाहर से कुछ हलचल आएगी, जैसे मानव ने सोचा कि प्रकृति पर विजय करेगा, अभी मार पड़ी, पूरे मानव जात को मार पड़ रही एक साथ, चाहे आपने उसमें कुछ किया हो, गलती नहीं किया हो, सो वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, वी आर इंडिविजुअली देयर एज वेल एज इन कलेक्टिवली, इसका कुछ कर नहीं सकते। जो धरती के ग्रेड के जो चीजें हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पोल्यूशन हो गया, राइजिंग ऑयल प्राइसेस हो गई, वॉर इन कहीं भी हो गया, वो सबको बाधित करता है, किसी ने कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दियो हमारे सर पे भी आए उसका प्रभाव,
इस प्रकार के उत्पटांग मान्यताएं हम फिर स्वयं में भी उत्पटांग मान्यताएं बना लेते हैं। जैसे मेरे में एक इच्छा बन जाती है कि उस आदमी से मैं आगे निकलता, है ना। अस्तित्व में आगे पीछे कुछ होता नहीं। आई कांट से कि आम का वृक्ष नारियल के वृक्ष से आगे, वो उसका अपना एक स्वरूप है, इसका अपना एक स्वरूप है। ये मेरी मान्यता है कि वो उससे आगे है। तो इस पूरे को एक क्रम के रूप में समझना पड़ता है। जैसे संबंध मुझे स्वीकार होता है, विरोध मुझे स्वीकार नहीं होता है। इसको मैं बोलता हूँ, सोचता हूँ, सब करता हूँ, उसके बाद भी जब सामने आदमी खड़ा होता है उसमें विरोध आ जाता है। तो अस्तित्व में जैसा है उसके विपरीत मेरे में जो भी जानना, मानना, पहचानना, व्यवहार करना, सोचना, एग्जीक्यूट करना, मैं कुछ भी करता हूँ, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन मेरे में होना तय। तो इतना हमने बात किया था कल, एक 10 मिनट में एक छोटा सा इसका ये दिया। तो ये साक्षात्कार क्रिया में हमने कहा कि निरंतर रहने वाली चीजों का पहचान होता है। क्या है? एक तो मैं हूं, इसका पहचान होगा। संबंध का स्वरूप क्या है? न्याय के रूप में, इसका पहचान होगा। मानव या मेरे लिए समाधान क्या है? इसका पहचान होगा। अस्तित्व में वास्तविकता क्या है और क्या नहीं है? क्या है पहचान होगा, उसके आधार पर क्या नहीं है अपने आप आ जाता है। तो इन सबका, तो हमारे जीने का फिर पर्पस या प्रयोजन स्पष्ट होता है। द पर्पस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज देन मेड क्लियर। द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस आल्सो बिकम्स क्लियर। ठीक। इसके बाद इसकी एक स्थिरता बनती है, उस घटना का नाम है बोध, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहेंगे। फिर उसके अनुसार हमारे में जीने के लिए डिटर्मिनेशन होता है, इसका नाम है संकल्प। तो ये कभी हिलता नहीं। नाउ दिस इज अ रेजोल्यूशन दैट विल नेवर चेंज। इसके पहले हम जो रेजोल्यूशन बनाते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो जाए, जन्मदिन रेजोल्यूशन हो जाए, इट इज प्रोन टू चेंज एंड इट इज प्रोन टू इनकम्प्लीट, अधूरा होता है। इसके बाद वो बदलता है। तो ये होने से जानने की, जानकारी की पूरी पिक्चर या पूरी वस्तुएं हमारे पास आती है, तथा ये कॉन्ट्रडिक्शन से मुक्ति का रास्ता भी मिलता है, तथा हम जो चाहते हैं तृप्ति, जिसको मैंने कहा चार प्रकार की तृप्ति होते हैं, अभी हम तीन तक सीमित रहे, सुख, शांति और संतोष। तो मैंने जैसे सोचा वैसे कर पाता हूँ, जब जब कर पाता हूँ उसका नाम है सुख। जैसे आपको कुछ भोजन खाना है, आपने खा ली, सुख, थोड़ी देर के लिए रहेगा, चले जाएगा। किसी को मिलने जाना था, आप मिल लिए, अच्छा समय हो गया, सुख। किसी को मिलने जाना था, साथ में ये ध्यान में आता है कि वो खाने में ले जाएगा, फिर पैसा वो देगा कि मैं दूंगा, इसको लेकर झंझट हो जाता है, ये विचार में अशांति। या खाना खाते समय अच्छा लगा, बिल पेमेंट के टाइम में सोचने लग के वो देगा कि मैं दूंगा, है ना। तो लाभा लाभ, लाभ होगा कि अलाभ होगा, इसका तौलना होता है हमारे में, तो अशांति। तो इस रूप से हमारे अंदर दिक्कतें रहती हैं। और ये जो सुख, शांति और संतोष, या दुख, अशांति और असंतोष, ये हमारे भौतिक इंटरेक्शन या जानकारी के साथ हो सकता है, व्यवहार के साथ हो सकता है, हमारे अंदर ही कुछ ना कुछ चलते रहता है। वो तीन जो आयाम। अब आप लोग बताइए, इस पर कुछ और बात करनी हो तो, अदरवाइज आई ऑल्सो स्विच टू द अदर नोट्स। बताइए। यू मेक अ 1 मिनट रूल फॉर पॉजिंग, क्योंकि आई कांट सी यू। तो आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, कि सो रहे हैं, ये पता नहीं चलता है। सो आई विल वेट फॉर अ मिनट ऑफ साइलेंस, 1 1.5 मिनट्स। इससे सबको ये भी मैंने सस्पेंस चले जाएगा कि ये भी चुप ही बैठेगा कि कुछ मूवी खुलेगा। सो यू हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स।
चलिए 1.5 मिनट से आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब ये वाला जैसे जैसे सक्रिय होता है, फिर ये पहले सक्रिय होने के लिए पहले इसको सक्रिय करना पड़ेगा, ये न्याय धर्म सत्य का वस्तु, ठीक। और जो चैतन्य भाई कह रहे थे भाई, प्रत्येक रिलीजन, प्रत्येक दर्शन, विज्ञान सब इसी के बारे में बात करता है। विज्ञान सत्य के किसी भाग के बारे में बात करता है, न्याय के बारे में बात नहीं करेगा। देयर इज नो जस्टिस इन साइंस, दैट्स अ डोमेन ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। यू कांट अंडरस्टैंड जस्टिस अनलेस यू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। ये दोनों जुड़े हैं। तो ट्रूथ को एक्चुअली फिलोसफी का डोमेन मानते हैं, रिलीजन का डोमेन मानते हैं, है ना। सत्य का मतलब ट्रूथ है, वास्तविक रियलिटी सत्य का एक भाग, फिजिकल रियलिटी, केमिकल रियलिटी, बायोलॉजिकल रियलिटी के बारे में वैज्ञानिक भी से अध्ययन करते हैं, यूजफुल, क्योंकि उससे हमारी इंद्रियों के लिए कंफर्ट मिलती है, पंखा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है ना। परंतु मूल्य नहीं मिलेंगे। तो हमारी पूरी शिक्षा आज उस फिजिकल रियलिटी के बारे में बात करती है, और हमारे मान्यता के अनुसार जो भी मनुष्य के बारे में जो भी हमारे पास है, हिस्ट्री के रूप में कुछ पढ़ा देते हैं, है ना। तो ये शिक्षा का बेसिक उद्देश्य हो गया। बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन इज न्याय क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, मैं क्या हूँ, जीवन क्या है, जिंदगी के बारे में जीना क्या है, ये हम विद्यार्थी को किसी विधि से दें। साथ में वस्तुओं का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग, लाभ के रूप में या व्यवसाय के रूप में, हाथ पैर से काम करने के रूप में, वो भी हम दें, है ना। साथ में उसके स्वास्थ्य संबंधी जो भी हमको जानकारी देनी है वो भी दें, ताकि वह स्वस्थ भी रहे। उसको जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो खुद ही पहचानता है। किसी बच्चे को नहीं पढ़ाना पड़ता है कि तुमको समोसा अच्छा लगता है, वो खुद ही पता करता है ना। नो स्कूल हैज टू टीच अस दिस, यू फाइंड दिस ऑन योर ओन। तुमको ये म्यूजिक अच्छा लगता है, नो बडी कैन टेल यू दैट, वो आपका स्वयं का है। सो दिस इज सब्जेक्टिव सेंसरी। और जैसे ही सत्य के बारे में बताएंगे, तो उसको स्वयं के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई ये तुम्हारा चित्र है, दिस इज यू, दिस इज द एनाटॉमी ऑफ अ ह्यूमन बींग। और ये जो काम करता है, दैट्स द फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कैसे काम करता है, इसको हम कहते हैं कल्पनाशीलता। इसीलिए यू कैन फोर्स अ चाइल्ड टू लर्न समथिंग, किसी एज तक उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि उसको पूरा खुला छोड़ दो, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं। ही इज डिपेंडेंट ऑन दीज सेंसेस एंड हिज ओन इंप्रेशंस, जो वो केवल स्कूल से नहीं लेगा, वो हर जगह से लेता है। हमने स्कूल में उसको कुछ दिया नहीं दिया, वो बाहर जाता है, चार चीजें देखता है। आजकल तो फोन हर जगह पहुंच गया है, फोन में हर प्रकार की चीज पहुंच गई है फोन के द्वारा। तो बच्चा अपना इमेजिंग करते रहता है, स्कूल से जो मिला वो भी, जाति से जो मिला, धर्म से जो मिला, मीडिया से जो मिला। सो वी हैव टू गिव द चाइल्ड एबिलिटी टू डिसर्न, है ना, क्रिटिकली रीजन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। उसके लिए सही क्या है ये हमको पता होना पड़ेगा, मतलब सत्य क्या है, समाधान क्या है, मनुष्य के लिए न्याय क्या है, इसकी जानकारी हमारे पास शिक्षा की वस्तु के रूप में चाहिए। सो द कंटेंट ऑफ एजुकेशन, बेसिक कंटेंट बिकम सत्य, धर्म एंड न्याय से संबंधित वस्तु। मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग क्या होगा, जिसको पीडागॉजी कहेंगे, अंडरस्टैंडिंग की उसमें कल्पनाशीलता है, संबंध विधि से, मूल्य विधि से, क्योंकि वो बच्चे में मूल्य मूलक आस्वादन चाहिए, तो मूल्य विधि से हमको उसको डिलीवर करना पड़ेगा। विद दी अंडरस्टैंडिंग की उसके अंदर एक कल्पनाशीलता है ना, उसकी अपनी कुछ पर्सपेक्टिव है, और ये डायनेमिक है, कब किस चीज पर उसका ध्यान जाएगा हमको नहीं पता, उसके आधार पर हम उसको दें। और साथ में उसकी एक आयु होती है, उसके अनुसार कितना प्रभाव करना है, कितना नहीं करना है, ये डिसाइड करना पड़ता है। जैसे मेरे 6 साढ़े 6 वर्ष की बेटी है, उसको मैं अभी भी प्रभावित करता हूँ, ये तुम करो नहीं करो, मैं अभी पिछले 5 वर्षों से कर रहा हूँ, जब से वो 1 साल की हो गई थी, 1.5 साल की, तब से मैं उसको अलग अलग प्रभाव करते रहता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट है। बट वो 15 साल की, 15 वर्ष की हो जाएगी, तो प्रभाव का सीमा बहुत कम हो जाएगा, देन शी विल बी हर ओन पर्सन। तो उसको प्रस्ताव दे सकते हैं, प्रभावित नहीं कर सकते। तब तक यदि उसके साथ संबंध बन गया, तो संबंध के आधार पर मैं उसके साथ एंगेज कर सकता हूँ। तब तक यदि मैं संबंध नहीं बना पाया, देन देयर इज नो ब्रिज बिटवीन यू एंड द चाइल्ड, दैट टाइम इज लॉस्ट, वो ब्रिज नहीं है। तो ये जब होता है, तो समझ होने से क्या होता है, तो इसमें हमारे में स्थिरता बनती है। जैसे जैसे हम न्याय धर्म सत्य रूपी वस्तुओं को
समझते हैं तो हमारे में स्थिरता बनती है ना। ऐसे समझ से हम समाधानित होते हैं और सुखपूर्वक जी पाते हैं। तो ये जो ये भी लिखा है, साक्षात्कार, बोध और अनुभव। अनुभव के बारे, अनुभव का मतलब अल्टीमेट रियलाइजेशन, फाइनल ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ का रियलाइजेशन, अंतिम सत्य को हम जान लेते हैं, है ना। जानने का तात्पर्य क्या है, वो सेकंड लाइन में लिखा है, जो सार्वभौम और सार्वकालिक वस्तुएं हैं इसको हम जानते हैं। ओनली यूनिवर्सल ट्रूथ्स आर नोन, यूनिवर्सल रियलिटीज आर नोन। सो ये वो फिल्टर है ये चेक करने के लिए कि कहीं हम मतलब फंस तो नहीं जा रहे हैं किसी मान्यता में। ये इंडोक्ट्रिनेशन तो नहीं है कि कोई हमारे ऊपर आके कुछ है ना भूत चढ़ा रहा है। ये आपके लिए सेल्फ चेक है। फिर ऊपर की ब्लॉक और नीचे की ब्लॉक, अभी वो डायग्राम में दो ब्लॉक इसलिए ब्लॉक लिखा है इधर, ये अलग नहीं होता है, इट्स नॉट सेपरेबल। ऐसे नहीं है कि हमारे में से विचार अलग हो सकता है, आप इसको देख सकते हो, विचार अलग होता नहीं। आप वही व्यक्ति हो जो मतलब बचपन में खेलता था और आज वही व्यक्ति अपने आप को बोलता है कि मैं 40 का हूँ, 50 का हूँ, मैंने ये डिग्री पाया, वो डिग्री पाया, ये सब क्या है आइडेंटिफिकेशन। ये डिग्री पिग्री सब इधर है, मेरी जो साइकी है वो मेरे में चित्र के रूप में है। यू विल रिकलेक्ट कि हमारे चित्र स्वयं के बारे, मनुष्य के साथ संबंध, प्रकृति के साथ संबंध तथा संपूर्ण अस्तित्व के बारे में है, हमारी इमेजेस अनगिनत। तो वो अपडेट होते रहता है बेस्ड ऑन योर डिग्रीज एंड एक्सपीरियंसेस एंड सर्कमस्टांसेस। और कोई एक देखने वाला है सबको जो बोलता है कि मैं ये हूं और मैं वही आदमी हूं, वो शाश्वत बना रहता। अभी वैज्ञानिकों के अनुसार शरीर के एक पता नहीं कुछ तो आंकड़ा है, 75% सेल शायद एक वर्ष में पुनर्जीवित हो जाते हैं, चेंज हो जाता है। सो यू आर नॉट योर सेल्स बिकॉज यू कंटिन्यू, अदरवाइज यू विल बी फ्रेश एवरी टाइम लाइक अ बटरफ्लाई, है ना। एक आदमी बटरफ्लाई जैसे होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, एवरी टाइम द सेल चेंज देयर इज अ न्यू मी, सो आई हैव फॉरगॉटन द ओल्ड मी, ये नहीं होता है। एंड यू आर आंसरेबल फॉर योर एक्शंस, ये भी है। आपकी पति पत्नी बच्चे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं और समाज भी एक्सपेक्ट करता है, शासन भी एक्सपेक्ट करता है। यू कैन डू समथिंग एंड से माय न्यूरॉन्स डिड इट, है ना, दे विल थ्रो यू इन साइड समवेयर। तो जिम्मेदारी लेना पड़ता है, आपको याद होगा, स्मरण होगा, है ना, जानबूझकर करने वाली क्रियाएं ये है, स्वतः होने वाली क्रियाएं इधर है, और जिसमें जानबूझकर और स्वतः दोनों मिलकर होता है ये, आपको याद है। आई एम अज्यूमिंग योर नॉडिंग योर हेड। तो शरीर की क्रियाएं अपने आप होती है, हार्ट पंप हो रहा है, लंग्स में हो रहा है, एंजाइम सिक्रीट हो रहा है ना, गॉल ब्लैडर काम कर रहा है, पैनक्रियास काम कर रहा है, यदि नहीं काम कर रहा है तो उसका संकेत आता है, तो वो पैथोलॉजी टेस्ट बोलता है कि इसको डायबिटीज हो गया, फिर हम गोली खाते हैं। तो ये पूरी कहानी है इसकी, मतलब संक्षेप में नीचे क्या लिखा है देखते हैं। तो ये जो तुलन की दृष्टियां हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज है समझने के लिए। इसको आगे पुस्तकों में थोड़ा थोड़ा इसका संदर्भ आता है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ओवरव्यू ले लेंगे। प्रिय दृष्टि का मतलब है पांच इंद्रियों से सापेक्ष है, इसका ये भी मतलब है कि फॉर्म से सापेक्ष है, मतलब इट इज सब्जेक्टिव, इंटरेस्ट बेस्ड। ओके, इट प्लेस टू रोल्स, वन इज वॉट इज लाइकेबल टू माई सेंसेस एंड वॉट इज लाइकेबल अकॉर्डिंग टू मी ऑफ अदर एरियाज। जैसे एक आदमी है, उसका व्यवहार मुझे पसंद है नहीं पसंद है, ये भी प्रिय दृष्टि ही है। मध्यस्थ दर्शन मुझे पसंद है नहीं पसंद है, मैं पहले से इस्लाम को मानता हूँ, मैं मध्यस्थ दर्शन सुनता हूँ, मैं बोला ये सब बेकार, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये प्रिय दृष्टि। मैं मध्यस्थ दर्शन को अपने अनुसार मानता हूँ, आप अपना बताते हो, फिर मैं बोलता इसका मध्यस्थ दर्शन गलत है, ये प्रिय दृष्टि। तो ये प्रिय दृष्टि इसीलिए से काम करता है। तो अभी हम देखें तो व्यवहार में ये बहुत काम, सी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड हाउ टू लिव। बातों बातों में ठीक है कि हम संबंध है, संबंध में जीना चाहते हैं, बढ़िया है, बट वो आदमी कैसे काम करता है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड how the person opposite you operates, by what laws or the lack of which laws, you cannot engage with that person. वो बिना engage किए भी आपको तंग करेगा, उसका
प्रेजेंस मात्र भी पर्याप्त है इरिटेट करने को, उसका स्मरण भी पर्याप्त है आपको इरिटेट करने के लिए। जो आदमी हमको पसंद नहीं है वो कहीं जाता नहीं है ना, यहाँ इम्प्रिंटेड है, बैठा है, सिटिंग इनसाइड है ना। द पर्सन यू डोंट लाइक इज सिटिंग इनसाइड यू एज अ मेमोरी। एवरी टाइम अ रिलेटेड सर्कमस्टेंस अराइजेस, वो आदमी सामने आ जाता आपके अंदर, फिर हम उसको यहाँ गाली देते रहते, इधर मतलब डांटते हैं, बेकार है, बेवकूफ है, क्योंकि उसने कुछ किया है हमको जो हमको पसंद नहीं है, या उसने कुछ अन्याय किया जो हमारे लिए अन्याय हो गया। तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स मनुष्यों को लेकर इसको लेकर है कि उसने मेरे साथ अन्याय किया, या मैं जैसा चाहता हूं उस इमेज में वो नहीं है, है ना। वी हैव एन इमेज कि सामने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, वो कैसे काम करेगा, वो कैसे सोचना चाहिए, वो ऐसे कैसे सोच सकता है, हम बोलते हैं, है ना। फिर हम बोलते हैं उसको इतनी भी बात समझ में नहीं आती है क्या, कुछ हो गया, 1 मिनट है। फिर हम बोलते हैं उसको इतनी भी बात समझ में नहीं आती है क्या, आई ये तो कुछ ड्राइंग ही शुरू कर दिया है, 1 मिनट। कोई सॉफ्टवेयर का है, इस बीच में आप 2 मिनट क्वेश्चन के लिए ले लीजिए, फिगर आउट हाउ टू टर्न दिस ऑफ। तो हम अपने आप को तथा सामने वाले व्यक्ति को इन चीजों के द्वारा समझ सकते हैं। इसको बंद करके एक बार शुरू करें। तो फिर वही झंझट, हाँ जी बताइए, कोई क्वेरी हो तो या कुछ शेयर करना चाहते हैं वो भी ठीक है। मेरी आवाज तो आ रही है ना, कि वो भी बंद हो गया? नहीं, क्लियर है। हाँ हाँ ओके ओके ओके, जी तो भैया, डेड साइलेंस। आई नो, बहुत देर से डेड साइलेंस था। भैया सुनने का मन कर रहा था तो सुन रहे। समड़ी में जोक, द साइलेंस इज डेड साइलेंस बिकॉज वी रियलाइज वी आर डेड। द साइलेंस वाज वेरी लाउड। हाँ, बिकॉज यू रियलाइज वी आर एक्चुअली डेड, वी आर नॉट थिंकिंग और वी डोंट नो एनीथिंग, तो इससे भी डेथनिंग साइलेंस हो जाती है। चलो ठीक है, आई ओपन अ डिफरेंट। हर हर कोई भैया इंसान हेलो हाँ जी, हर इंसान अपनी मान्यताओं के अनुसार ही जीता है, तो ओ लेकिन देर आर सम यूनिवर्सल बैड थिंग्स विच आर नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीवन। तो ऐसा आदमी अगर आपके संपर्क में आए तो आपका तो यानी उसका व्यवहार तो गलत ही है, जो सबके लिए गलत है, तो वो अपनी मान्यताओं से भी जीता होगा, तो हमको तो तकलीफ होगी ही। तो इसमें तो गलत मान्यताओं से तकलीफ होगी ही अपने को। हाँ बिल्कुल हो गई। हाँ, तो ऐसा कह के छोड़ नहीं सकते कि उसकी वो अपने तरीके से जी रहा है, मैं अपने तरीके से जी रहा हूँ, लेकिन जो यूनिवर्सली जो रॉन्ग है उसको फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। यानी वो अपनी मान्यता से जी रहा है, मुझे अप्रभावित रहना है वो बात चाहिए, लेकिन वो जो कर रहा है वो गलत ही है,
प्रभावित रहना भी मुश्किल हो जाएगा। वही तो डिपेंड करता है कि आप ऐसे व्यक्ति के कितने निकट हो, है ना। यदि हमारा उसके साथ संबंध है मतलब तो वो परिवार का ही कोई सदस्य है और कोई यूनिवर्सली रॉन्ग चीज कर रहा है। यूनिवर्सली रॉन्ग चीज एक्चुअली तीन ही होता है। एक को हम कहते हैं परधन, मतलब दूसरे के धन को चुराना, है ना, दैट इज सोशली और लॉफुली रॉन्ग। कुछ चीजें लॉफुली राइट होती है बट सोशली रॉन्ग होती है, ठीक है। जैसे किसी के घर में हो सकता है कि बोले कि भाई गैम्बलिंग गलत है, मतलब गवर्नमेंट अलाउज गैम्बलिंग, है ना, कंट्रोल्ड गैम्बलिंग। आपके परिवार के परंपरा में गैम्बलिंग गलत है तो आपके परिवार वाले बोलेंगे कि ये धन कमाने का सही रास्ता नहीं, ये यूनिवर्सली रॉन्ग है। तो चोरी करना पूरे दुनिया में यूनिवर्सली रॉन्ग। चोरी के फिर अलग अलग स्टैंडर्ड है ना, उसकी अलग अलग डेफिनेशन है, बट ब्रॉडली किसी का ले लेना ये गलत। आप ही के पत्नी का कोई चीज शादी के दो दिन पहले उठा लेना चोरी माना जाएगा, शादी के बाद वो शेयरिंग माना जाएगा। तो सोसाइटी ऐसे काम करती है। तो ये है परधन, वेल्थ पे, तन पे, धन पे। दूसरा, किसी के तन पर अत्याचार करना, है ना, ये जो मॉलेस्टेशन और ये सब जो हम सुनते हैं लड़कों पे, लड़कियों पे, किसी को भी कोई भी कुछ भी करता है ना आदमी, तो ये भी गलत है, ये यूनिवर्सली रॉन्ग। तो इसको हम बोलते हैं परनारी या परपुरुष दर्शन में। और तीसरा लिखा है परपीड़ा, मतलब किसी के मन को ठोस पहुंचाना। तो या तो आप किसी के तन को ठोस पहुंचाओगे शरीर को, या किसी को धन को, भौतिक ब्लॉक को, या उसके मन को, उसके इंटेलेक्चुअल ब्लॉक को, है ना। तो ये डिफेमेशन सूट, क्या डिफेमेशन है, मैंने अपने बारे में कुछ माना है और इसने बोल दिया कि मैं ऐसा नहीं, ये डिफेमेशन सूट भाई। वो यदि एंड इफ यू रियली लुक एट इट डिफेमेशन, यार तुम यदि अपने आप को ऐसा नहीं मानते हो और वो यदि बक रहा है तो बकने दो ना, तो सूट फाइल करके क्या मिलेगा तुमको। वो तो अपना मानसिकता तो नहीं मानेगा, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज हिज ओपिनियन, राइट, इवन इफ ही गेट्स पनिश्ड ही इज गोइंग टू थिंक यू आर अ फूल। तो मैंने माइक से बोल दी ही इज अ फूल, तो मैंने सूट फाइल कर दी और इसका बदले में क्या है, मैं पैसा लूंगा। सो इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम ये वाली जब चीजों को देखते हैं, हम मन के ठोस के लिए पैसे से उसको भरपाई का प्रयत्न करेंगे अभी। तो यूनिवर्सली रॉन्ग जो चीजें हैं, यदि हम किसी के साथ ऐसे जी रहे हैं तब तो कठिन है, परंतु यदि समाज में हो रहा है और उससे हमारी यदि दूरी बनी हुई, हम सुरक्षित हैं, हम जिन घरों में रहते हैं उसके आधे किलोमीटर दूर ये सब हो रहा है, हमको पता नहीं चलता, परधन भी हो रहा है, परनारी भी हो रहा है, हम उससे मुक्त हैं, अफेयर्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है ना, कोई दारू बेच रहा है, कोई दारू बना रहा है घर में, इससे हम दूरी बना लेते हैं। फिर हम ऐसे जगहों में रहना चाहते हैं जहां हम इन चीजों से बच के रहे। फिर दूसरी बात है कि वो कर रहा है उससे मैं परेशान। अब ये मेरी इंटरनल प्रॉब्लम है, एक तो मैं मान रहा हूं कि मेरी अपेक्षा सही है, मान लेते हैं कि वो सही है, वो मेरे अंदर चित्रण के रूप में है। आई टोल्ड यू चित्रण प्रभावित करने वाली क्रिया है, ये जो राइट की जो क्रियाएं हैं, ये मैंने दूसरा एडिटर खोल दिया है, इसमें वो नहीं आ रहा है, बट आई विल एनीवेज कंटिन्यू टू टॉक व्हेन आई ट्राई टू ओपन अनदर वन। तो ये जो राइट वाली जो ब्लॉक है जिसको हम चित्रण क्रिया कहेंगे, ये प्रभावित करने वाली क्रिया है। तो या तो आप स्वयं को प्रभावित कर सकते हो या किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हो, ठीक है ना। तो दूसरे व्यक्ति यदि अभी हमारे में ये इच्छा बन जाती है कि वो आदमी मेरे जैसे रहे, ये तो बड़ा मुश्किल है, बिकॉज उनके चाहने जैसे आप नहीं होने वाले। दिस इज अ वेरी मूड पॉइंट। व्यवहार में सबसे सिंपल और सबसे कठिन चीज समझने के लिए यही है मेरे अनुसार। हमारे मन में ऐसा है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा हो जाए, हम उसके अनुसार होने के लिए रत्ती भर तैयार नहीं है। We don't want to do the smallest thing according to somebody else's expectation until and unless we feel it is correct. बराबर? सामने वाला व्यक्ति भी वैसे ही है। Exactly. Now, so when you know yourself more, you realize how the other person is, and you feel your base. You can see that you're basically helpless. वो आपकी बेटी भी हो, जब तक उसके अंदर खाना मैं खाना खाऊं ये गियर नहीं जीतता है, वो नहीं खाने वाली। आप 50 चिल्ला दो उसके कान में,
क्योंकि आप भी वैसे ही हो, मैं आपके कान में चिल्लाऊं इससे थोड़ी आप खाना खाओगे यार, आपके अंदर वो गेयर गिरना पड़े। एक तो आप भयभीत होके खाओ, ये एक अलग मुद्दा है, और जैसे आप हटोगे फिर मैं खाना बंद कर दूंगा, बट वो भय किसी समय तक काम करता है। हाँ, सो अ ह्यूमन बीइंग इज फियर्सली इंडिपेंडेंट इन हिज एक्शंस, इन हिज थॉट एंड इन हिज ओपिनियंस इन व्यूज। तो इसमें केवल स्व कृपा काम करता है, दूसरा कुछ काम नहीं करता है। नाउ इफ आई हैव एन इमेज एंड दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट, चित्रण क्रिया का भ्रमित होने का मतलब क्या है? इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्टिंग हाउ द वर्ल्ड इज एंड हाउ आई शुड बी, इट स्टार्ट्स प्रोजेक्टिंग हाउ पीपल शुड बी, है ना? इसीलिए उसको कल्पनाशीलता कहा है। यू विल नेवर फाइंड दैट पर्सन अकॉर्डिंग टू योर इमेज, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू हिज और हर इमेज। And when जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे उसमें there are multitudinous factors that decide आपकी क्या मान्यता है, पूरा संस्कार होता है, बहुत सारी factors होती है उसकी, बहुत सारी grades होती है। इसका solution क्या है? Solution यह है कि ये समझना that you don't have any control. It is foolish to expect कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा हो या नहीं। हाँ, हमारे में कामना रहे कि मनुष्य अच्छा हो जाए, उसके साथ ये समझ भी चाहिए कि आज जो अच्छा नहीं है या सही नहीं है उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। इन चीजों को जब हम मैंने वो कर पाते हैं, है ना, समझ पाते हैं, देन वी रियलाइज कि आदमी ऐसा काम करता है तो इसीलिए अभी जब तक उसमें ये चीज नहीं होगी उसमें ये वाली चीज भी नहीं होगी, इसीलिए मेरा ऐसा अपेक्षा करना ही गलत है। तो आप कामना करेंगे किसी दिन वो समझे या जो भी मतलब करेक्ट हो जाए, समझे का मतलब उसमें कोर्स करेक्शन हो जाए। अपने को पेशेंस रखना है, पेशेंस एंड आल्सो कॉम्प्रिहेंशन। आपको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा खुद को, खुद के वर्किंग को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा, उसके वर्किंग को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा, आपके अंदर क्वालिटेटिव चेंज की प्रक्रिया क्या है उसको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा, उसके अंदर जो क्वालिटेटिव चेंज की प्रक्रिया है उसको भी कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे मैंने कहा कि भाई एक आदमी समझ नहीं सकता है किसी चीज को, है ना, एक 7 साल के बच्चे से हम अपेक्षा करते हैं कि वो समझ ले कि ये करना गलत है, और सामने से कोई यदि बच्चा है तो उसके साथ वो शेयर करे, हम चिल्लाते रहते उसके ऊपर, आई हैव टोल्ड यू 10 times, है ना, दैट यू शुड शेयर व्हाट यू हैव। उसको शेयर समझ ही नहीं आता भाई, उसमें प्रिय की दृष्टि है, उसको जो चाहिए वही दिखता है उसको, उसको न्याय मूल्य वगैरह कुछ नहीं दिखता है। हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, नो नो शेयरिंग इज केयरिंग, तुम शेयर करो, कुछ नहीं घुसेगा, यू विल फाइनली गेट फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज हमारी कामना गलत नहीं है कि वो शेयर करें, बट ही इज हैंडीकैप्ड, ही कांट, ही और शी कैन नॉट डू इट एट दैट एज। एडल्ट भी ऐसे ही है, ही इज हैंडीकैप्ड, ही कांट सी मोर देन दैट, और ही इज कैन नॉट सी व्हाट यू कैन सी राइट नाउ, रिज्यूमिंग इट इज करेक्ट। So you just have to wait. Yes. You comprehend. हाँ, you comprehend. आप पूछ नहीं कर सकते। किसी दिन यदि उसमें वो होती है कि नहीं यार ये आदमी ठीक है, इसे मैं सुनना चाहता हूँ, then आप उसको बता सकते हो। तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। Okay. हाँ. जी भैया जी, इससे तो ये समझ में आ रहा है कि संबंधों में जो डिफरेंस ऑफ थॉट है या समझ की कमी बोले, तो ये जो डिफरेंस है उसको हम खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए यही कहा जाए, क्योंकि एक बहुत लंबी प्रोसेस है। पहले तो खुद में ही सालों लंबी प्रोसेस है, तो फिर हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, ऐसा समझ में आ रहा है। बिल्कुल, 6 महीने बाद हमारे साथ क्या, हमारा क्या ठिकाना, हम ही को नहीं पता, उसको क्या चेंज करेंगे हम। सही बात है। तो भैया जी, इसमें एक चीज कनेक्ट नहीं होती है मुझे, मतलब कई बार चीज ऐसे लगती है कि दर्शन में भी कहा गया कि संबंधों में अपेक्षाएं नहीं, मतलब है वो गलत नहीं है और वो फिक्स है, तो फिर उस चीज को मैं एक समझना चाह रही थी कि संबंधों में अपेक्षाएं है, तो कई बार जैसे परंपरा में अभी देखते हैं कि हम बोलते हैं कि अपेक्षा शून्य हो जाओ, किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं करनी चाहिए, पर यदि अपेक्षा फिक्स है तो
कैसे उस चीज को लिया जाए या कैसे समझा जाए, क्योंकि जहाँ अपेक्षा करते हैं वहीं हम हर्ट होते हैं, प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों से अपेक्षा नहीं होती वहां तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है वैसे भी। हाँ बिल्कुल, और दर्शन ये कह रहा है, देखिए परंपरा में ये कही कि भाई उनके संबंधों में झंझट है इसीलिए उसे मुक्ति पाओ। मुक्ति पाओ का मतलब क्या है, जैसे आपको मेरे से प्रॉब्लम है ना, तो परंपरा कहेगी मेरे से मुक्ति पाओ। एक मिनट, ये इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया, आवाज आ रही है ठीक से? हाँ भैया जी, अभी कट गई थी थोड़ी आवाज आपको। आप ठीक है? अभी आई जी, अभी। अच्छा, शायद फोन से लगा के देखते हैं कभी कभी। एक मिनट, हाँ जैसे बाबा जी कह रहे हैं कि संबंध भी फिक्स है, सात संबंध है, और संबंधों में अपेक्षाएं भी फिक्स है, तो वो क्या है फिर, वो भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। नहीं, अपेक्षाएं फिक्स्ड है और ये किसी को नहीं पता, ये क्लाइंट बताते नहीं है परिचय शिविर में। यहाँ तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि अपेक्षा करना ही गलत लग रहा है, क्योंकि सामने वाले की मनस्थिति कैसी है क्या है वो तो नहीं सही। अपेक्षा हम करें पर वो कामना के रूप में, देखिए इसमें यही तो, ये केवल एक लाइन, वो जो आप हमको बताया जाता है वो परिचय शिविर में बताया जाता है, तभी हम आगे उसको पढ़ेंगे है ना। परंतु जब हम इसको करने देखते हैं या अध्ययन करने जाते हैं तो हमको दिखता है कि भाव देने की चीज है, लेने की चीज नहीं है, है ना। तो ये जैसे प्रत्येक व्यक्ति न्याय चाहता है, धर्म चाहता है, सत्य चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति में उसका चित्र है, परंतु अपने अनुसार है, वो उसके प्रिय के दृष्टि के अनुसार है, ठीक, उसको जो ठीक लगता है उसके अनुसार है। तो परंपरा में जो आपने कहा कि भाई संबंध को ही गायब कर दो, जैसे आप, मैं आपके साथ जीता, मैं आपके अगल बगल हूं, आपके परिवार के सदस्य हूं मान लेते हैं, और अभी परंपरा कह रहे कि इससे अपेक्षाएं मत करो, बट मैं तो आपके अंदर बैठा हूँ यहाँ स्मरण में, मैं गायब तो नहीं होने वाला हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, बच्चा है, कोई है, तो गायब तो नहीं होता है ना। आप डाइवोर्स बाहर पेपर पे कर सकते, चित्र स्मरण से डाइवोर्स नहीं होता है, भाव में कहाँ डाइवोर्स होता है, उसको गाली देते हैं अंदर, उसको भूलने का प्रयत्न करते हैं, सो वी गॉट फॉर वॉक्स, हम कुछ कुछ करते हैं उस आदमी को भूलने के लिए, कोई एक घटना घटित होती है फिर वो खड़ा हो जाता है इधर अंदर हमारे। तो यहां से किसी को मिटाना बहुत ही जटिल कार्यक्रम है। दर्शन ये कह रहा है कि इसको मिटाना नहीं है, इसको सही अर्थ में बनाना है। कोर जो चेंज है, ये सब बंधन नहीं है, इसका सही पन का कोई एक स्वरूप है, उसको हमको पहचानना है, वो अध्ययन विधि से आए। एक फिर हमको दिखता है कि ये सात संबंध है, ये ऐसे मूल्य है, मैं इसमें रहना चाहता हूं, बट मैं जैसे ही किसी के साथ बाहर व्यवहार करने जाऊंगा, वो तो अपने डिजाइन से ही मिलेगा ना, उसको तो ये सारी चीजें नहीं पता है ना अभी तक, तो वो उसके पता होने तक मुझे प्रतीक्षा करना पड़ेगा, वो अपने मन से करेगा। अभी तो मैंने आपको उदाहरण दिया, एक बच्चा अपने मन से जब खाना चाहता है तभी खाता है, जब खाने जैसी इतनी छोटी चीज एक बच्चे के साथ है, हम चाहते हैं कि पूरा बड़ा आदमी हमारे जैसे ही सोचे, हमारे जैसे ही चित्रित करे, हमारे जैसे ही तुलन करे, हमारे जैसे कार्य करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये भी एक यथार्थ है ना। सो दर्शन में हम जागृति के स्वरूप को भी समझते हैं, अवेकनिंग, तथा जागृति क्रम को भी समझते हैं, व्हाट इज द प्रोग्रेशन ऑफ अवेकनिंग, जागृति का क्रम क्या है, कितने क्रम में लोग, तो वो भी सच्चाई का एक भाग, लर्निंग हाउ टू डील विद द वर्ल्ड दैट स्टिल डजंट नो व्हाट यू नो, प्रिज्यूमिंग यू नो व्हाट इज राइट, और लर्निंग हाउ टू लिव विद द वर्ल्ड। तो वो अपेक्षा करना गलत नहीं है, गलत अपेक्षा करना गलत है, हम ये अपेक्षा कर लें कि वो भी संबंध को देखे, और उसको संबंध से कोई मतलब नहीं है, हम सामने दिखते हैं उसको यही दिखता है कि हमारा शरीर कैसा है, हमारा व्यवहार उसके अनुसार है कि नहीं,
वो हमको यहाँ से देख रहा है, हम चाहते हैं कि वो हमको यहाँ से देखे, नहीं होगा ना। उसके अंदर ये गियर गिरेगी, ये छह गियर है एक आदमी, इस जगह पर जरा सिक्स गियर्स, वो थर्ड से फोर्थ गियर में उसको आना पड़ेगा ना। उसके अंदर वो गियर खुद चाहेगा, सोचेगा, समझेगा, तभी ये गियर गिरेगी, नहीं तो नहीं गिरने वाली, ऐसी पड़ी रहेगी अपेक्षा के रूप में। आप उसको पूछो न्याय चाहिए, आप बिल्कुल न्याय चाहिए यार, क्या न्याय है, तू मेरी बात मानो, यही न्याय है। या जैसे हमारे बुक्स में लिखा है वैसा करो, यही न्याय। अभी लॉ क्या है, जस्टिस क्या है, हमारे बुक्स में कहीं लिखा है उसको सब रट कर बैठे हैं, उसके अनुसार चलना न्याय। उसमें नहीं चलने से कितना बार पीटेंगे मारेंगे वो भी लिखा है, वो तो पीटना मारना भी न्याय है। ठीक है दीदी जी? भैया जी, पर इसमें ये एक मुझे मन में डाउट आ रहा है कि जैसे यदि हम ये चीज सोचते हैं तो फिर मन में ये ही आता है कि ठीक है, हम उसको ये समझ लें कि उसमें अभी वो समझ नहीं बनी है जो हम में बनी है, तो वो अवमूल्यन या अधिमूल्यन की तरफ नहीं जाते फिर हम? बिल्कुल जाएंगे। मतलब जैसे हम तो भाई हम अपने आप को कि हम दर्शन पढ़ रहे हैं इसलिए हमें ज्यादा समझ बन गई है, और उसमें तो ये न्याय वाली समझ ही नहीं है, वो तो प्रियहित लाभ में ही जी रहे हैं, तो मतलब वो चीज एक मुझे लगता है कि अवमूल्यन या अधिमूल्यन की तरफ जा रही है मेरे मन में, ऐसा मुझे दिखता है ऐसे कभी। बिल्कुल, जहाँ मैं रिलेशंस में ऐसे सोचने लगती हूँ ना, जैसे अभी हमारी बात हो रही है, तो जब वो नहीं मानते कोई कोई भी सदस्य, मतलब छोटा बच्चा है तब तो हम उसको लेट गो कर ही जाते हैं, बट यदि कोई बराबरी का हस्बैंड हो या पेरेंट्स हो या भाई बहन संबंध हो, ऐसे सब में फिर ये आता है कि ठीक है उसमें उसकी अभी वो पात्रता नहीं है या वो अभी क्रम में पीछे है, मैं समझ गई, तो वो अधिमूल्यन और अवमूल्यन की तरफ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसके प्रति बहुत सतर्क रहना पड़ेगा या रहना चाहिए, क्योंकि ये होगा ही है ना। तो जैसे हमारे पास सूचना आती है तो सडनली हमको पूरा दुनिया बहुत बड़ा दिखने लगता है, सामने से तो हम वही व्यक्ति हैं, हमको ये भी दिखता है कि सामने वाले को ये चीजें नहीं दिख रही है, तो उसमें स्वयं के प्रति भी बहुत दया रखने की आवश्यकता है, दूसरे के प्रति भी दया। स्वयं के प्रति क्या दया, हमारी औकात हमको क्लियर हो कि मैं जिसको समझ मान रहा हूँ उसका स्तर क्या है। समझ का पहला स्तर है जिसको हम अनुमान या सहमति कहेंगे, इसका नाम है भास होना, अस्तित्व भास होता है, जीवन की क्रिया कुछ भास होती है, पहले उसका भाषा बनता है, भाषा के आधार पर कुछ कल्पना बनती है हमारी, है ना। उस कल्पना को हम सच्चाई मान लेते हैं, वो कल्पना का मतलब चित्रण कुछ बनता है, शिविर में कुछ बोलते हैं, नागराज जी का 4-10 वीडियो देख लिया हमने, 2-4 बार पुस्तकों को पढ़ ली, 5-6 बार मैंने पढ़ा ली, तो मेरे अंदर का चित्र बदलता है, बिकॉज मेरी दुनिया वो चित्र ही है, क्योंकि वो चित्र बदल रहा है इसीलिए मेरी दुनिया भी बदल रही है, तो मैं उसी को उसको उसको मैं समझ मान सकता हूँ। ये बिल्कुल है, ये एक बड़ा पिटफॉल है कि मैं सत्य भास को समझ मान लूं, जबकि मुझे पता होना चाहिए कि ये अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट लेवल। तो फर्स्ट हमारा सही मूल्यांकन हो आपके उसका, आपने जो कहा उसका उत्तर में मैं ये कह रहा हूँ, हमारा सही मूल्यांकन हो तो उसके लिए समझने के क्रम को हमको समझना पड़ेगा, उसके बाद सत्य आभास होता है। तो इसको हमको स्वयं में भी पहचानना पड़ेगा कि मुझ में भास हुआ कि आभास हुआ, अभी समझ नहीं है, वो स्थायी समझ नहीं है, ये किसी अवलंबन पर है, मतलब क्रचेस के साथ है ना, हम हैंडीकैप्ड है, हम खुद नहीं समझ सकते, तो दर्शन, भाषा, कोई प्रबोध कुछ बोल दिया शब्द, इसके सहारे हम खड़े हैं, हम जैसे उस शब्द को हटाएंगे हम गिर जाएंगे। जैसे संबंध, मूल्य, इन भाषाओं को यदि मैं अपने आप से हटा दूं मैं गिर जाऊंगा, मेरे पास अपनी कोई समझ नहीं है। यदि भाषा को हटा दिया, आप में जो बचा वो है समझ वास्तव में, तब तक क्या है, भाषा के सहारे समझ है। So it is something, but it is not everything. It's a start. तो सत्य भास, glimpse of reality. उसके बाद सच्चाई का आभास होता है ना? Semblance of reality. Reality जैसे दिखना शुरू हो। हमको सच्चाई का आभास हो गया तो हम भाषण देना शुरू कर सकते हैं। You can start explaining to people. जैसे मैं भी आपको कर रहा हूँ। ये पूरा सत्य आभास है। बढ़िया Zoom call पे मैं 10 लाख लोगों को भी समझा सकता हूँ।
आप लोगों को समझ में भी आएगा क्योंकि सच्चाई है, परंतु मेरे लिए वो आभास। किसी समय में मुझ में साक्षात्कार होगी, यहां से मेरे स्वयं के अधिमूल्यन की संभावना कम होगी, उसके बाद बोध होगा तो वो खत्म हो जाए। मेरा अधिमूल्यन, मेरा जितना अधिमूल्यन है उसके प्रोपोर्शन में सामने वाले की अवमूल्यन बनी रहे, तो उस अवमूल्यन को मुझे देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि उस अवमूल्यन से कम पहले जो संबंध था अब ये हो गया कि मैं एक सीढ़ी पे स्टूल पे चढ़ के बैठ गया। इससे तो हमारे आसपास के लोग और इरिटेटिव होंगे कि ये जीवन विद्या जो भी करके तुम सर चढ़ा हो गए हो, तुम किसी का बात नहीं सुनते, हर चीज के लिए तुम वितंडा वक्त करते हो, है ना, भगवान नहीं है, ये नहीं है, कुछ भी जो भी बकते हम, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। उससे ऊपर इफ यू हैव टू बी मोर सुप्रीम इरिटेटिंग, आप बोल देंगे कि तुम प्रिय दृष्टि से कर रहे हो और मैं न्याय दृष्टि से व्यवहार कर रहा हूँ, तो और भी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा सामने वाले व्यक्ति को। क्योंकि हमारे पास वो भाषा है, हम मान रहे हैं, यू हैव द वर्ड न्याय, वी हैव द इमेजिनेशन विद द वर्ड न्याय, वी मे स्टिल नॉट नो वॉट इज न्याय। ये समझ रहे ना आप, मतलब ये पहुंच रहा है थोड़ा? जी समझ तो रहे, बस वही है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। वही तो, ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए सत्य भास क्या है या न्याय का भास क्या है, आभास क्या है, इसको स्वयं में पहचानना पड़ेगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है। लंबी प्रक्रिया का मतलब इसमें हमारा मेहनत लगता है, हमारा अपना ही मूल्यांकन। देखिए क्या हो रहा है इसमें, मैंने कुछ सुन लिया तो मेरे में वो स्मरण आ गई, थोड़ा सा मेरे में लॉजिक आ गया दर्शन का, बढ़िया। तो मैं अपना जब व्यवहार करता हूँ, है ना, मैं मेरा व्यवहार मेरे लिए प्रिय हो जाता, मैं बोलता हूँ मुझे न्याय और धर्म और सत्य समझ में आ गया, ये एक्चुअली मेरा प्रिय मूल्यांकन है, अधिमूल्य। सामने वाले व्यक्ति को फिर मैं उस फ्रेम से देखता हूँ, बोलता अरे उसमें न्याय नहीं है, उसमें शिविर नहीं किया, अभी भी उसको लॉलीपॉप पसंद है, उसको घूमना पसंद है, गाना सुनना पसंद है। सो नाउ यू स्टार्ट ट्रैशिंग द अदर पर्सन, है ना, सामने वाले को हम इधर ट्रैश करना प्रारंभ करते हैं, ये इसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता। तो उसका मूल्यांकन हमने अप्रिय विधि से किया, स्वयं का मूल्यांकन हमने प्रिय विधि से किया, अभी भी न्याय का बैलेंस नहीं है हमारे पास। केवल पहले जो क्लैरिटी नहीं थी वो क्लैरिटी इधर कुछ बनी है, उस क्लैरिटी का हम अधिमूल्यन कर रहे हैं, प्रिय दृष्टि ही चल रहा है, मतलब प्रिय न्याय है, प्रिय डैश न्याय है, ये प्रिय डैश सत्य है। तो ये बिल्कुल है इसमें संभावना, इससे बचना पड़ेगा, इससे सतर्क रहना पड़ेगा, है ना। वैसे ही मैंने मध्यस्थ दर्शन को, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने, देखिए 12 वर्ष हो गया, मैंने अपने कुछ निष्कर्ष बना लिए, दर्शन ऐसा है वैसा है, बाबा जी ये कह रहे हैं, बोध ऐसा होता है, अनुभव ऐसा होता है, साक्षात्कार होता है, मैं लोगों को बताता हूँ, है ना। तो मेरा जो मान्यता है सत्य के बारे में, दर्शन के बारे में, मेरे लिए प्रिय हो सकता है, मैंने अपने हिसाब से मध्यस्थ दर्शन को समझ लिया उन्हीं वाक्यों को। तो मध्यस्थ दर्शन का सत्य का भाषा मैंने अपने हिसाब से कुछ सेटिंग कर ली इधर, विच इज वाई दिस इज कॉल्ड कल्पनाशीलता, है ना, ये प्रोजेक्ट करते रहता है। तो उससे बचने का क्या विधि है, उसके बचने का विधि मुझे सिंपल समझ में आया। एक तो व्यवहार में हम विनम्रता को रखें, हम कुछ स्पेशल हो गए, शांति से रहे, व्यवहार का एक ही मुझे सूत्र समझ में आता है, बी क्वाइट, है ना, शांति पूर्वक रहो टिल यू डोंट फिगर आउट थिंग्स, बिकम स्मॉल, इट्स वेरी हार्ड बट इट्स अ सेफ थिंग टू डू एंड वेरी पीसफुल थिंग टू डू, छोटा बन जाओ। एक यदि हमारा कुछ, एक फर्स्ट वाला, दूसरा हमसे कोई बहुत अधिक समझा हुआ व्यक्ति जो हमको बहुत क्लियर है कि ये मेरे से बहुत अधिक जानता है, उसके संपर्क में रहे, एंड होपफुली यू विल चूज द राइट पर्सन, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल आउट देयर, है ना।
आइडियली इट शुड बी एन एब्सोल्यूट पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति अभी शायद अपने उसमें नहीं है, एक नागराज जी थे एब्सोल्यूट, वेयर देयर इज नो रूम फॉर एरर, है ना, कम से कम मेरे नजरों में तो नहीं है ऐसा कोई. देयर आर वेरी गुड पीपल बट दैट्स द लिमिटेशन वी आर अंडर, है ना, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. तो फिर हम अपने समझ को उनके समझ के साथ तुलना करके देख सकते हैं कि नहीं इस आदमी को मेरे से अधिक पता है, फिर भी ये नहीं बोल रहा कि मैं समझ गया हूं, तो मुझे भी थोड़ा रुकना चाहिए, इससे आप बचेंगे. और दूसरा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में हम छोटे हो जाएं, उसको सरलता नाम दिया है, अभिमान के जगह सरलता. दूसरे में जो अच्छी चीजें हैं उसको पहचानने का हम प्रयत्न करें, अभ्यास करें, उसका नाम दिया है परगुण गणना अभ्यास, दूसरों में अच्छे गुणों को देखना. साथ में उसमें प्रॉब्लम क्या है ये भी दिखेगा ही आपको, है ना, पर उसकी अच्छाइयों को भी देखना, उन अच्छाइयों के साथ उसके साथ ट्रैक्शन करना, व्यवहार करना. दैट्स द ओनली वे टू लिव विद पीपल, नहीं दूसरा कोई तरीका ही नहीं. क्योंकि जैसे हमने देख लिया, हम उसको बदल नहीं सकते, हम खुद ही नहीं बदल पा रहे ना, उसको कहां से बदलेंगे. ठीक है जी, ये अभी के लिए, हाँ मतलब अभी के लिए ठीक है जी जी, और आगे, हाँ ऐसा नहीं है कि मैंने 10 मिनट बोल दिया और वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई. ऐसा होता तो मेरा खुद का ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता मेरे ही बोलने से, ऐसा होता नहीं है, बट रीजनिंग उसका ऐसा है. तो प्रिय दृष्टि मेरे अनुसार है, ये प्रधान रूप में इंद्रिय सापेक्ष है, but it is very subjective according to my opinion and views of everything, nyaya, dharma and satya, everything, science according to me, and biology according to me, education according to me, ye wali cheez. Phir hit drishti sharir ya swasth poshan sapeksh hai, swasth sapeksh hai. To hit drishti hone ke liye humko jankari bhi chahiye, isliye shiksha mein bachchon ko swasth rehne ki jankari dene padegi, tabhi usme hit drishti ki sambhavna hai. Abhi ki shiksha mein wo hai hi nahi. है ना, नोबडी टेल्स अस हाउ टू बी हेल्दी. वो पैसे कमाने के लिए शिक्षा है और बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर बैठा है सुई लेके या दवाई का लिस्ट लेके, और बेचने के लिए फार्मासिस्ट बैठा है, बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी बैठी है. ये पूरा एक वो हो गया. क्यों? क्योंकि ये लाभ की दृष्टि है सभी में, डॉक्टर में, फार्मासिस्ट में, सब में लाभ की दृष्टि बैठी है. तो नहीं होता है डॉक्टर में, मतलब सभी में नहीं. अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोग का मतलब जो उस संबंध और उस प्रोफेशन की गरिमा को देखकर बना के रखते हैं. तो लाभ का मतलब है वस्तु या सेवा सापेक्ष, श्रम से अधिक वस्तु को पाना अथवा कम देकर ज्यादा लेना. मैं अभी यहाँ पर एक एक दुकान है, एक हार्डवेयर स्टोर, मुझे मैं घर में 2-3 कूलर है, उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस करना था. तो पिछले सप्ताह में गया, एक वो लेकर आया, फ्लोट वेल्व बोलते हैं, है ना, जो जिससे पानी वो पानी में फ्लोट होता है, फ्लोट बॉल. तो दुकान का ओनर था, मैंने पूछा कितने का, उसने कहा 50, में 50 दिया, वापस आ गया. 3 दिन बाद दूसरे कूलर की टाइम आई, उसी दुकान में गया, दूसरा मतलब उसका असिस्टेंट था, उसको पूछा कितना, उसने कहा 30. उसी कलर की चीज, उसी चीज को उसने मुझे 30 में बेची, उसमें एमआरपी तो कुछ होता ही नहीं. उस आदमी की आंखों में देखने से मुझे लगता है कि लाभ, वो पिक्चर में दिखा था ना, डॉलर साइन दिखता है उसके आंख में, ऐसे दिखता है देखने से, रुपी का साइन हर समय, यू नो, इट्स देयर इन हिज आईज. इसको हम बोलते हैं तदाकार, दैट पर्सन इज एंटैंगल्ड विद द लाभ दृष्टि, पूरे टाइम उसमें लाभ ही चल रहा है. ऐसे व्यक्ति को हम देख के उसके व्यवहार से दुखी होने का कोई मतलब नहीं है ना. उसने मुझे बुद्धू बनाया, 20 रुपए ले लिए, क्या करें, मैं बुद्धू बना, मुझे भी नहीं पता. सो दैट इज अ साइन ऑफ द टाइम, उसके अंदर लाभ दृष्टि है. वो जहां पर पैदा हुआ बचपन से उसको वही पढ़ाया जाता है, वो जिस व्यवसाय में है उसको वही धंधा वही है, उसी को धंधा नाम भी देते हैं ना, इधर बॉम्बे तरफ धंधा बोलते हैं उसको, चुना बॉम्बे तरफ. तो तीसरी चौथी दृष्टि है न्याय, ये फोर्थ गियर है. मानव संबंध व्यवहार सापेक्ष, उसमें मानवीयता और संबंधों में पूरकता की अपेक्षा हम रखते हैं, बच्चे से, पिता से, हर व्यक्ति में अपेक्षा है, परंतु अपने हिसाब से बनता है. कैच क्या है इसमें, अपने हिसाब से बनता है,
इसका कोई स्थायी सार्वभौम स्वरूप है उसको हमको पहचानना है, ये हमारा काम। उसके लिए दर्शन हमको स्टार्ट कराता है, दर्शन के अध्ययन से हम उसमें अग्रसर होते हैं और धीरे धीरे उसका हमारी स्पष्टता या एक्सप्लोरेशन होता है कि न्याय क्या है। तो पहले ये 7 संबंध, फिर 18 मूल्य आएंगे, जैसे आपने अभी दीदी ने कहा कि भाई अपेक्षाएं हैं, फिर हम अपेक्षाओं को सोचते, फिर हम देखते हैं यार मेरे में भी अपेक्षा, तो ये चलता है। फिर 5वां गियर है हमारे में वृत्ति में, इसका नाम है धर्म, मतलब समाधान। ये मानव धर्म है, क्यों और कैसे का उत्तर। तो ये पूरे का मतलब क्या है, आदमी ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, प्रकृति क्यों है, ये पूरे जितने भी प्रश्न है घटनाओं को लेकर, चीजों को लेकर, व्यवस्था को लेकर, ये सब समाधान की हमारे में अपेक्षा है। किसी समय में इस समाधान का स्थायी स्वरूप, इसका निरपेक्ष स्वरूप हमको समझ में आ जाता है, तब हम कहेंगे कि धर्म समझ में आया। और वो समझने का 4 स्टेज है, भास, आभास, प्रकृति, अनुभूति। इसको आप कभी मत भूलिएगा, है ना। ग्लिम्स, सेम्बलेंस, सर्टिट्यूड। साक्षात्कार का मतलब है सर्टिट्यूड, पक्का हो जाता है कि ऐसे ही है। बोध का मतलब है कॉम्प्रिहेंशन, रियलाइजेशन अनुभव को बोलते हैं, अनचेंजिंग एक्सेप्टेंस है वो। इसी क्रम से वो आगे बढ़ता है। और 6वां गियर है सत्य, इसको हम कहेंगे अस्तित्व सापेक्ष, कि वस्तु कुछ है या नहीं, ये डिसाइड करता है ये दृष्टि। Doesn't something exist or it doesn't exist? Law of uncertainty है या नहीं, परमाणु है या नहीं, है ना, स्पेस है या नहीं है, एनर्जी है या नहीं है, आत्मा होता है नहीं होता है, मृत्यु को बाद एक आदमी होता है नहीं होता है, देवी देवता होते नहीं होते, भूत प्रेत होता नहीं होता है, हम भगवान होता है नहीं होता है, 4 भगवान है, एक है, कपड़ा पहनता नहीं पहनते, खाते है नहीं खाते, ये सब है। तो ये हमारी कोर मान्यता के अनुसार हमारा समाधान की अपेक्षा बनती है, हमारे समाधान की अपेक्षा के अनुसार हमारे में न्याय का कोई पिक्चर होता है, उस न्याय के पिक्चर सहित हम ये सारे दृष्टियों के साथ जीते हैं। तो हमारे में ये जो 6 गियर हैं, 6 में से अभी ये 3 चालू हैं, है ना, और अलग अलग प्रधानता में। एक व्यक्ति लाभ प्रधान है, पूरे टाइम लाभ ही सोचता है, दिन रात लाभ ही सोचता है, एक एकदम हेल्थ फ्रीक है, ना, वो विवाह भी करता है कि पत्नी के साथ में योगा करो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पूरे दिन शरीर पर ही देख रहा है, कुछ हो जाएगा शरीर को, ये हो जाएगा, ये खाओ वो खाओ, ये मत खाओ, ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक खाना गलत नहीं, पूरे टाइम ऑर्गेनिक में डूबा हूँ, तो या पूरे टाइम अच्छे लगने में डूबो, बोर हो रहा है, गाना सुना, फिर आइसक्रीम खा लिया, तो 5 इंद्रियों में कुछ कुछ कर रहे हैं, बोर हो गया एक अगरबत्ती लगा दी, फिर उस अगरबत्ती से बोर हो गया एक दूसरी अगरबत्ती लगा दी, है ना, ये वाली परफ्यूम छिड़क ली, वो वाली परफ्यूम किसी ऊपर, किसी के ऊपर छिड़का दी, एक कर्टन ले ली, इस कर्टन को बदल दी, घर को बदल दी, ये सब प्रिय है। इसमें हम देख सकते हैं कि अंतविहीन है, द पॉसिबिलिटीज आर ऑलमोस्ट, मतलब दे आर वेरी लॉन्ग इफ नॉट सपोजली इनफाइनाइट। ये बोरियत का लाभ को हम देख सकते हैं कि इमेजिनेशन की कोई लिमिट ही नहीं है लाभ की। Where does love end? When you become the richest person on this planet. यदि हमने ये, अभी luckily we have not found out another planet. तब यहाँ का richest man वहाँ richest man के साथ तुलना करना शुरू कर देगा कि मैं उससे भी ऊपर गया कि नहीं गया। इसीलिए लाभ अंतविहीन है। इसीलिए लाभ की कोई तृप्ति नहीं है। लाभ की तृप्ति कहाँ मिलेगी? कि हमारे परिवार में जीते समय कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है और हमारे स्वस्थ रहने के लिए तथा परिवार के स्वस्थ रहने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता है, हमारे परिवार के शिक्षा के लिए। आपका परिवार अभी 2, 3, 4 है ना, 14, 20 तक हो सकता है, जो भी आप इसको परिवार मानते हो अभी के लिए, उनके शिक्षा, शिक्षा का मतलब ये सारी समझ, शिक्षा बच्चा जाता है समझने के लिए, है ना, तो समझ के किसी दिन वो कमाएगा, व्यवहार करेगा, सोचेगा, अच्छे से जिएगा। ये 4 रिक्वायरमेंट है शिक्षा का। अभी केवल कमाने के लिए बेचते हैं शिक्षा के लिए, तो उसके लिए जितनी आवश्यकता है उसको हम तय करते हैं, उसको उपार्जन करते हैं, ये हो जाता है, तो हमारा वो लाभ का दृष्टि स्थिर होता है। यदि भय को लाभ से पूरा करने जाते हैं, पैसे से पूरा होता ही नहीं, क्योंकि भय अनडिफाइंड है, इसीलिए उसके लिए पैसा भी अनडिफाइंड है।
या सम्मान अनडिफाइंड है। चल रहा है, लोग लगे हैं उसमें, इससे हमको दुनिया भी समझ में आती है। इन छह दृष्टियों से यू कैन मैप द एंटायर वर्ल्ड इन दिस एंड हाउ इट ऑपरेट्स विद दोस क्रियास। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें लिखे हैं जिसको अनुभव बोध के बाद क्या होता है, बट फॉर नाउ थोड़ा सा प्रिलिमिनरी हो जाएगा हमारे लिए, तो हम उसको ये कर देते हैं। बाकी एक बताइए और कुछ। तो हमको करना क्या है, समझना है, क्या समझना है, ये चार, स्वयं को समझना है, संबंध को समझना है, अस्तित्व को समझना है, दृष्टि क्या प्रयोग होगा उसके लिए, न्याय धर्म सत्य का। ये दृष्टि का मतलब क्या है वो दर्शन में बताया, न्याय क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, इसको प्रोसेस करके करेंगे। स्टेजेस क्या है समझने का, भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति उसके बहुत बाद। उसके लिए अभ्यास क्या है वो कल मैंने आपको एक लिंक दिया था नेट पे, इंग्लिश पे लिखा है, मोटा मोटी आप लोग समझ लेंगे। पहले टेक्सुअल स्टडी को प्रोसेस करना, फिर उसको इंटीग्रेट करना, अमेलगमेट करना, उसके बाद मेडिटेटिव स्टडी, फिर बिहेवियरल स्टडी, बिहेवियरल प्रैक्टिस, मेडिटेटिव प्रैक्टिस। मेडिटेटिव मतलब इन वास्तविकताओं के ऊपर मेडिटेटिव करना, तो ध्यान देना, ध्यान को मेडिटेशन बोलते हैं। इस दर्शन के मेडिटेशन के लिए आंखें, आप चाहे आंखें मूंद के सोच लो, आंखें खोल के सोच लो, आपको सोचना है बस, है ना। फिर चाहे कुर्सी पर बैठ के सोचो, वज्रासन में बैठो, अर्ध पद्मासन में बैठो, पूर्ण में बैठो, लेटते हुए सोचो, भागते हुए सोचो, गाड़ी चलाते हुए सोचो, समझने के लिए ध्यान लगाना, मन को लगाना, इसका नाम है ध्यान। इस दर्शन के अनुसार, मध्य दर्शन में जो लिखा है उसको बता रहा हूं। तो आंखें बंद करने खोलने से इसका कोई, आंखें बंद करने से थोड़ा हेल्प मिलता है, बिकॉज़ यू शट ऑफ ऑल द नॉइज आउटसाइड, बट द प्रॉब्लम इज अंदर, और कहीं हमारा ध्यान चले जाता है, खुजली होती है थोड़ी देर बाद, है ना, आंखें मूंदने से भूख लग जाती है, वो आदमी जो हमको तंग कर रहा है वो याद आ जाता है। ये हमारे लिए होमवर्क, मानव के लिए होमवर्क है। हम जिन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उनको भी इससे गुजरना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस, नो वे आउट। ठीक है जी, तो ये जीवन क्रियाओं का एक मोटा चीज, तो न्याय धर्म सत्य जैसे मैंने कहा महत्वपूर्ण चीज है कि ये निरंतर रहने वाली चीजों का होता है, जैसे न्याय एक नियम है। न्याय क्या है, दो मानवों के बीच इंटरैक्शन का एक लॉ है जो यूनिवर्सल है। तो ये सिक्स दृष्टिज यहाँ पर और डिटेल में लिखा है, वो नोट्स बहुत पुराने हैं, इसमें और डिटेल में लिखा है। प्रिय दृष्टि है ना, यू स्पेंडिंग इनफ टाइम ऑन दिस, क्योंकि आगे जाके दर्शन में ये सब कम मिलेगा। विल बी डीलिंग मोर विथ वर्ड्स एंड कंसेप्ट्स, बहुत वर्डी हो जाता है मेरे अनुसार, बट फाइनली वहां जो भी हम पढ़ते हैं दर्शन, यू हैव टू ब्रिंग इट बैक हियर इनटू द जीवन क्रिया। सिंपल फॉर्मूला ये है, क्योंकि वो हम जो भी पढ़ेंगे वो हमारे अंदर ही जाके प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर लिखा है, दिस पर्सपेक्टिव हेल्प्स अस व्यू, इवैल्यूएट एंड जज व्हाट इज अग्रीबल टू अस एंड व्हाट इज नॉट, इन अदर वर्ड्स आवर प्रेफरेंसेस, व्हाट आई लाइक एंड डोंट लाइक।
what is agreeable to me. So satya can be agreeable to me, samadhan, dharm. देखिए हर आदमी का अपना धर्म है, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम धर्म के अंदर मान्यता दो बन गई, शिया सुन्नी, उसके अंदर फिर क्या है, हजारा भी बोलते हैं, फिर बोहरा भी है, ये है सब टुकड़े टुकड़े क्या है, अलग 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 क्षेत्र होता, अलग 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 मान्यता होती है। भारतीय दर्शनों में 6 दर्शन बताते हैं वेद के बाद, या वेद को समझाने के लिए 6 दर्शन को वेदांत बताते हैं, उसमें वो फिर 6 भाग में बढ़ गया, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, सब अलग अलग मान्यता है। फिर उसको मानने वाले बहुत सारे लोग अलग अलग हो गए, शिव को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले, विष्णु के अवतारों को मानने वाले, शिव के अवतारों, इसके मंदिर में जाना, उसके मंदिर में नहीं जाना, उसके टुकड़े 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 होता है। बुद्धिज्म में आप जाएंगे तो हीनायान है ना, महायान, वज्रायान, थेरावादान, कोई 2 बोलता है, कोई 3 बोलता है, कोई 4 बोलता है, क्या है, अलग अलग मान्यता है, उसी टेक्स्ट को लेकर अलग 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 चित्र। सो यू अंडरस्टैंड हाउ चित्र वर्क्स, मैं ये सब जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसके लिए है कि ये चित्रण क्रिया कैसे काम करता है, इसको हमको थोड़ा सेंस बने कि भाई मोहम्मद मियाँ के बाद हम किसको मानेंगे, जो जानकार है उसको मानेंगे या उनके ब्लड लाइन की किसी को मानेंगे। ब्लड लाइन को मानने वाले शिया हो गए, जो उसके समझ को लेकर मानने वाले वो सुन्नी हो गए, फिर मोहम्मद मियाँ जैसे जिए वो पूरा जो लिखित में है वो हडित हो गया, तो हडित के अनुसार चलेंगे। हडित जो है वो कलेक्शन है ऑफ एनेक्डोट्स, जुडेज्म में शायद ब्रांचिंग नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं जूस, न्यू टेस्टामेंट के आधार पर क्रिश्चियनिटी है, फिर कैथोलिक है, और जो उसके खिलाफ हुए उसका नाम प्रोटेस्टेंट हो गया, फिर उसमें और टुकड़े हो गए, सीरियन कैथोलिक, जेकोबाइट, बहुत सारे हो गए, एक दूसरे से विवाह करेगा नहीं करेगा, खाना खाएगा उसके घर बैठेगा, ऐसा है। फिर कास्ट एक बहुत बड़ी मान्यता है ना, ये सब प्रिय दृष्टि में आ रहा है, वी आर स्टॉपिंग एट प्रिय एंड यू सी हाउ बिग इट इज। तो प्रिय दृष्टि यहां पर हर प्रेफरेंसेस और लाइफ पर्सपेक्टिव एक्सटेंड्स टू द होल गैमेट ऑफ लिविंग, व्हाट इज एग्रीएबल एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू सेंसरी एंड मटेरियल थिंग्स, क्या अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, गाड़ी घोड़ा घर में फोल्ड करके रखना नहीं रखना, मियां बीवी में 50 झगड़े इसको लेकर हो जाते हैं, तुम इसको फोल्ड नहीं किए, मैंने 10 बार बोला है लाइट बंद करो, चालू मत करो, बाथरूम में पानी डालो, ये कर्टन खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, इसमें बोरियत हो जाती है। तो जिसको 5 संवेदना हमने बोला, इसके साथ 4 विषय बोल के एक है, आहार, निद्रा, भय एंड मैथुन, है ना, 4 प्राइमल मोटिव्स जिसको कहेंगे ऑफ द ह्यूमन फूड, है ना, मैथुन का मतलब है कोइटस, कॉपुलेशन, उसको लेकर प्रेफरेंसेस होती है, उसको लेकर झगड़ा हो जाता है, आजकल ये बहुत बड़ा हो गया, पहले ये उसका कोई बहुत वो नहीं था, ह्यूमन बिहेवियर। सो यू मे फाइंड सर्टन काइंड्स ऑफ behavior of certain kinds of people agreeable and certain not, based on your evaluation of them and what you think of them, and hence your behavior with them will change. Number 5, wo jo upar chart hai uske numbering hai, 5 ka matlab man, 4a ka matlab tulan, 4b ka matlab vishleshan, to hamari evaluation ke anusar hum usko vishleshan karenge, acha hai bura hai, to ye हमारे बाल बच्चे से लेकर व्लादिमीर पुतिन तक जाता है, ह्यूमन बिहेवियर, सोशल ऑर्डर। सो वी हैव आवर ओन इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट इज ऑर्डरली सोसाइटी एंड व्हाट इज नॉट, है ना, और ये आधार क्या है, आप कौन से प्लेस कंट्री में पैदा हुए, कौन से बुक्स पढ़े आपने, द मूवीज यू सॉ, है ना, जैसे एक व्यक्ति के लिए सड़क जो है साफ होनी चाहिए, दूसरे व्यक्ति के लिए क्राइम नहीं होना चाहिए, चौथे के लिए पावर्टी नहीं होनी चाहिए। सो वी ईच डिस्प्ले आवर ओन बायस प्रेफरेंसेस व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी एंड ह्यूमन ऑर्डर। तो देखिए ये प्रिय है, ये न्याय है, ये धर्म के आधार पर है, धर्म का एक पार्ट है ये, स्टूडेंट्स के लिए लिखा था, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखा है बुक्स में,
स्टूडेंट्स मतलब जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है उनके लिए कोई एक कोर्स पूरे कंट्री में ना दर्शन के आधार पर एक्चुअली जीवन विद्या बोलना चाहिए के आधार पर एक ह्यूमन वैल्यूज कोर्स कंपलसरी हो गया, AICTE ने अपने मॉडल करिकुलम में डाल दिया है। उसके लिए एक बुक है, अभी हमारे कुछ लोग साथी है उन्होंने लिखा है, तो उसको थोड़ा और बढ़ा के मैंने एक नई वाली लिखी थी 2 वर्ष पहले, ऐसे पढ़ा है ये ट्रूथ सत्य के बारे में। हमारी अपनी प्रेफरेंसेस होती है कि ये सही है कि गलत है। जैसे धरती गोल था किसी एक समय में, कुछ लोग मानते थे कुछ लोग नहीं मानते थे, इससे हमारे अंदर की हमारी प्रिय हित लाभ तथा न्याय धर्म सत्य की दृष्टियां तथा प्रिय की दृष्टि सत्य पर भी काम करेगी, धर्म पे भी करेगी, न्याय पर भी करेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। So we have a bias in our belief, thinking and our behavior and living because we have a preconceived notion in us. ये चित्रण क्रिया, ये preconception चित्रण क्रिया है। तो बहुत सारे लोग क्या होता है, वो अपने प्रिय के अनुसार, उनको जो अग्रीएबल है उसके अनुसार ही पूरा मूल्यांकन और उनका पूरा बिहेवियर होता है, उनका पूरा चित्रण उसी के अनुसार काम करता है। ऐसे लोगों को हम सेल्फ सेंटर्ड बोलते हैं बिकॉज दे आर अनेबल टू सी बियॉन्ड देयर ओन लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस एंड उनके चित्र में द अदर पर्सन डजंट एग्जिस्ट इन हिज वर्ल्ड। वो अपने ही बारे में सोच रहा है, उसकी इच्छा में दूसरे व्यक्ति के साथ जो संबंध है, जो हमारा ब्लॉक हमने नंबर ही भूल गया शायद 2 है, व्यवहार अन्य लोगों की भलाई, ये उसकी इच्छा में नहीं, वो सोचेगा ही नहीं। मैं जब मैंने 27-28 साल के या 26 साल के आयु में जब जॉब छोड़ के ये गया था तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई है ना। मैंने पूरी कंट्री घूमी देखने के लिए कि लोग कैसे जी रहे हैं, क्या हो रहा है, इतना सारा प्रॉब्लम है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। फिर मुझे बड़ा इरिटेट होता था या गुस्सा आता था कि भाई इतना सारा तकलीफ हो रहा है और सिटी में लोग मजे मार रहे हैं, है ना, खा रहे, घूम रहे, बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं और इतनी सारी पॉवर्टी है। फॉरगेट द करप्ट एंड दुष्ट पीपल, जो अदरवाइज सामान्य लोग हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है इससे। भारत में किसी में ट्रैफिक साइन से मतलब ही नहीं है, कचरे से मतलब ही नहीं है, बगल वाले के घर में कचरा डाल देगा। और फिर देखा कि कुछ लोग एनजीओ एक्टिविज्म ऐसे नाम से बहुत सारे लोग उस पर कार्य भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता था ये लोग अच्छे हैं। फिर मुझे एक दिन लगा कि ये लोग जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको उनसे अधिक दिखता है, उसको नहीं दिखता, उसको जितना दिखता है उतना ही कर रहा है, ये वाली चीज लगी। वो जीवन विद्या के पहले है ये, उसको मैं भी इस दृष्टि से जोड़ के देख पाता हूँ कि उस व्यक्ति में ये वाली चीज नहीं है, वो जहां तक देख पाते हैं वहां तक जीता है ना। तो प्रिय दृष्टि वास्ट, उसके बाद हित दृष्टि है ना, इसके बारे में पर्याप्त चर्चा करेंगे आगे भी, क्योंकि बाद में हित के बारे में कोई चर्चा नहीं है दर्शन में, ये पंच शिविर में जितना होता है उतना ही होता है ना। देन यू विल फाइंड की बुक पढ़ते पढ़ते हम इतने अंदर परेशान हो रहे हैं कि हमको एसिडिटी हो गई, तो फिर जीवन विद्या पढ़ के बाल पक जाएंगे जल्दी, है ना, आपको खाना नहीं पचेगा और बहुत सारी चीजें हो सकती है। Somebody needs to mute. कोई स्वास्थ्य के बारे में डिस्कशन नहीं है क्या दर्शन में बाद में, मतलब फिजिकल हेल्थ? फिजिकल हेल्थ के बारे में आयुर्वेद में जो लिखा है उसको सही मानता दर्शन। आयुर्वेद में कई सारे टेक्स्ट हैं। okay. नागराज जी स्वयं चरक संहिता को प्रैक्टिस करते थे और मानते थे। तो आयुर्वेद इज गुड, आयुर्वेद एज अ गुड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन हेल्थ। ओके। एंड दर्शन एज इट इज डज नॉट कमेंट ऑन इट। ये परीक्षा शिविर के सीमा में हम थोड़ी सी बात करेंगे उसमें। एंड बिकॉज द थिंग इज आयुर्वेद में मन और आत्मा और चित्त ये सब की ट्रीटमेंट है, बिकॉज आयुर्वेद डिराइव्स फ्रॉम व्हाट वाज रिटन इन द वेदांतिक टेक्स्ट, ये उपनिषदिक टेक्स्ट। बट देयर इज अ लॉट ऑफ, मतलब उसमें बहुत सारी वैरायटी है ना, बहुत सारा चीजें है कि भाई जैसे यहाँ पर हमने, मतलब इफ यू वांट टू ड्रॉ एन इक्विवेलेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने इसी बात को कहा, अज्यूमिंग जैसे देखिए मध्यस्थ दर्शन आने के पहले भी हमको ये तो पता था कि मैं सोचता हूँ, है ना, फिर कुछ लोगों को ये भी पता चलता है कि मैं जैसा सोचता हूँ ये बदलता है और सामने वाला व्यक्ति अलग सोचता है, इतना तो दिखता ही हमको, है ना। उसको अभी हम एक चिन्हित रूप दे पाते हैं, नाम दे पाते हैं, चित्रण विश्लेषण, उसकी एक फ्रेमवर्क हमको मिलती है समझने के लिए।
जैसे ही इस दर्शन के पहले भी लोगों ने इन क्रियाओं को पहचाना है, उसको उन्होंने नाम दिया, चित्त एक नाम है, बुद्धि एक नाम है, वृत्ति एक नाम है, मन एक नाम है, आत्मा एक नाम है। उसमें एक प्रेवलेंट जो नोशन है वो ये है कि ये जो चित्रण जिसको अभी हम चित्रण अज्यूमिंग दे वर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग बिकॉज इतने सारे टेक्स्ट हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन इट। ये विचार चित्रण और मन इन्होंने मान लिया कि ये गायब हो जाता है थोड़ी देर के बाद, इट इज सेपरेबल। इसीलिए हमने एक छोटा सा नोट लोहा लिखा था उस नोट में कि ये इनसेपरेबल, ये अलग नहीं होता है, आपका विचार आपसे कभी भी अलग नहीं हो सकता, चाहे जियो मरो ये आपके साथ ही आने वाला है। योर एबिलिटी टू थिंक दैट इज, है ना, स्पेसिफिक थॉट्स में डिसअपीयर, वो तो टाइम के साथ अभी भी बदलता ही है, बचपन से लेकर अभी तक मेनी थॉट्स हैव कम एंड गॉन, हमको कहाँ याद है मैं क्या क्या सोचा हूँ। यू रिमेंबर वेरी फ्यू थिंग्स द इम्पॉर्टेंट वन, ये जिसको हम इम्पोर्टेंट डीम करते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए ये मन और वृत्ति और चित्त में, चित्रण में, विचार में, मन में, शरीर के ऊपर क्या प्रभाव होता है, दिस इज अ मेजर फैक्टर इन स्वास्थ्य। ये फैक्टर दर्शन इस व्यू को बहुत बढ़िया ढंग से लाता है, उसके ऊपर हमको वो डेवलप करना पड़ेगा, हमको मतलब पीपल लाइक यू एंड मी जिसको अध्ययन कर रहे हैं। ओके, तो शरीर की अपने में जो फंक्शनिंग है तथा उसमें दोषों का और वात पित्त कफ का जो कंसेप्ट है, एक दूसरा जो मटीरिया मेडिका है इनका, मतलब जो मेडिकल जो लिटरेचर है, मटीरिया मेडिका का मतलब कौन सी औषधि से क्या होता है, इसका स्टडी इज वेरी गुड एंड वेरी वास्ट, इसके बनाने के पद्धतियों पर भयंकर काम हुआ है। एंड इट इज नॉट वन थिंग, आयुर्वेद इज अ वे ऑफ लुकिंग एट इट, फिर उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, है ना, एंड इट इज हाईली सब्जेक्टिव ऑल्सो ऑन द डायग्नोसिस ऑफ दैट डॉक्टर। तो व्हेन वी टॉक ऑफ हेल्थ, इफ यू वांट टू कंपेयर हेल्थ सिस्टम्स, इसके बाद हम स्वास्थ्य पर ही बात करेंगे थोड़ा सा, हमारा मन मस्तिष्क खुलने के लिए। जूम कॉल पे तो कोई स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो हम मेडिकल सिस्टम्स को कंपेयर भी कर सकते हैं, बट द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज दैट द हेल्थ पर्सपेक्टिव सुपरसीड्स द लाइफ्स पर्सपेक्टिव, हित प्रिय दृष्टि से बड़ा है। देखिए यहाँ पर लिखा है दिस पर्सपेक्टिव हेल्प्स अस व्यू, देखना, इवैल्यूएट, है ना, तौलना एंड जज, डिसाइड व्हाट इज सुटेबल फॉर द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड व्हाट इज नॉट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव। बट कुछ रॉ वाला भी आता है, एक छोटे बच्चे को जिसको कुछ नहीं पता स्वास्थ्य, वो गंद को नहीं खाता, वो थूक देता है। कई बार हमारी बेटी ने पकड़ा है कि कोई खाना ठीक नहीं, हम लोग बातों बातों में खा गए, हमारी बेटी ने मना कर दिया जब बहुत छोटी थी, फिर बाद में अगले दिन पेट खराब हुआ, हमको पता चला कि यार वो पुराना हो गया था, कुछ गंद तो था और हम लोग ध्यान नहीं दिए, क्योंकि हम ये सब है ना दर्शन में और दुनिया दे रही में मस्त है। तो ये हित दृष्टि बच्चे में है पहले से, उसका डेटा जो है उसको चित्रण से मिलता है। सो व्हेन वी आर एजुकेटिंग चिल्ड्रन, स्वास्थ्य के बारे में इंफॉर्मेशन या डेटा हमको उनको देना पड़ता है, एंड एज एडल्ट हमको इसको लोड करना पड़ेगा इफ यू ऑलरेडी डोंट हैव इट। So, दर्शन एक्चुअली मींस यू हैव टू लर्न टू लिव, है ना, लर्निंग टू लिव, पूरा ही जानकारी जीने का लोड करना पड़ेगा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक पूरा खाली है। एंड दिस सुपरसीड्स द प्रिय, तो कोई कड़वी दवाई को हम इसीलिए खाते क्योंकि हित प्रिय से बड़ा है, अच्छा नहीं लगता है तो भी डॉक्टर के पास जाऊंगा, इंजेक्शन लगवाऊंगा, क्योंकि हित जो है प्रिय से बड़ा है। फिर ये भी हम नोटिस कर सकते हैं कि वॉट इज हेल्थी फॉर यू मे नॉट ऑलवेज बी फॉर मी, बिकॉज हमारा बॉडी टाइप, एज, कंडीशन ऑफ द बॉडी, ज्योग्राफिकल रीजन एक्सेट्रा वेरी ना, आप वहां बैठ के खट्टा खा सकते हो, मैं यहाँ बैठ के नहीं खा सकता। फिर ये जो लाभ दृष्टि है, ये इवेल्युएट करता है कि यदि कोई ट्रांजैक्शन हमारे लिए मटेरियल गेन या लॉस होगा तो ये इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। तो प्रॉफिट का मतलब है टू गिव लेस एंड टेक मोर। सो फॉर एग्जांपल व्हेन यू कीप बार्गेनिंग विद द शॉपकीपर फॉर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और व्हेन द शॉपकीपर इन टर्न एंड्स अप चार्जिंग मोर फॉर यू, जैसे उस आदमी ने फ्लोट के लिए 20 रुपए अधिक ले लिया मेरे से, दे आर ऑपरेटिंग अंडर दिस प्रॉफिट पर्सपेक्टिव, दे एंड यू बोथ। व्हेन यू बार्गेन यू डोंट नो व्हाट द राइट प्राइस इज, यू जस्ट वांट द लोएस्ट प्राइस। So the concept of MRP is actually very good in transaction, क्योंकि MRP होने से you have the trust कि भाई somebody in the government has thought कि इसका मूल्य इतना है,
है ना, या दैट कंपनी हैज थॉट. सो कम से कम द शॉपकीपर इज नॉट चार्जिंग मोर देन व्हाट द कंपनी इंटेंडेड, ये तो आ जाता है. एंड इन केस ऑफ सम क्रिटिकल थिंग्स जैसे कि स्टेंट है, हार्ट के लिए जो स्टेंट लगाते हैं, सो द गवर्नमेंट फिक्सेस द रेट. कोविशील्ड अभी वो था, सो द गवर्नमेंट एक्चुअली वर्क्स, इट फिक्सेस द रेट, इट मेड इट अफोर्डेबल, इट मेड श्योर दैट द कंपनीज डोंट इंडल्ज इन प्रॉफिटियरिंग. नहीं तो दे दना दन ये लोग अपना रेट लगा देते हैं. अब कब सबको कोविड से बचना है, 5,000 की वैक्सीन भी लगा लेते सब लोग, क्या करते हैं. तो हम एक्चुअली सिस्टम को गाली देते हैं, बट व्हेन यू टेक अ बैलेंस्ड ओपिनियन, और एटलीस्ट व्हेन वन टेक्स अ बैलेंस्ड ओपिनियन, लगता है कि सिस्टम वर्क्स. ऐसा नहीं कि सिस्टम डजंट वर्क. आज यदि सरकार को जब हटा दो, देयर विल बी केओस ऑन द रोड एंड इन आवर लाइव्स, कंप्लीट केओस. तो दिस पर्सपेक्टिव सुपरसीड्स द लाइक्स एंड हेल्थ पर्सपेक्टिव. ये प्री और हित दोनों से बड़ा है. फॉर एग्जांपल, एक आदमी दिन रात काम करता है, 14 घंटा काम करता है पैसा कमाने को, उसमें उसको खाने को भी नहीं मिलता, सोने को भी नहीं मिलता, तो उसकी प्रिय दृष्टि कमी होती है, उसका स्वास्थ्य भी खराब होता है, फिर भी पैसे के पीछे पड़ा रहता है. सो पीपल गिव अप गुड फूड एंड देयर स्लीप इन ऑर्डर टू मेक मोर मनी. व्हेन दिस पर्सपेक्टिव गोज इनटू ओवरड्राइव, इट इज कॉल्ड बीइंग मनी माइंडेड और हैविंग द बैडनेस फॉर प्रॉफिट. इसका नाम है लाभ उन्माद. Overdrive for profit, है ना? Then you don't know when to stop. फिर ethics, everything. Ethics is a part of न्याय. मैंने वो example दिया था कुछ सप्ताह पहले. Now we are talking of weeks, है ना? ये जो आदमी IIT दिल्ली आया, अहमदाबाद से पढ़ा, Stanford से पीज, वो जो भी किया, McKinsey का वो बना और insider trading में पकड़ा गया. Ethics गई, पैसे का पागलपन हो गया, कहाँ रुकना उसको पता ही नहीं चलता. बोलते हैं कि जब 9/11 हुआ था, वो जो प्लेन आके टावर में क्रैश हुए, जो न्यूयॉर्क जो NYSE है, स्टॉक एक्सचेंज और कहीं है ना, तो उसमें लोग स्टॉक प्राइस को लेकर चिंतित थे कि सब गिर रहा था, मार्केट इज क्रैशिंग. तो उसके बाद लोगों की इंटरव्यू ली गई, दे सेड वी रियलाइज मच लेटर दैट पीपल एक्चुअली डाइड एंड वी वर वरीड अबाउट द स्टॉक मार्केट. सो इट्स इंटरेस्टिंग, राइट? जिस बिल्डिंग में स्टॉक मार्केट है वही उड़ गई, तो गया तेल लेने स्टॉक मार्केट. The stock market is gambling. It works on sentiments, है ना? We'll talk about it some other day. Maybe जब हम विनिमय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, we can discuss it. And the reason I'm spending time on all this, like I said, is हम आगे जब दर्शन में जाएंगे ना, the discussion will become very theoretical, centered around the दर्शन. फिर बहुत बार हम अपने जीने से उसको जोड़ते नहीं है. तो मैं तो मेरी अपनी खुद के लिए भी रिकमेंडेशन रही, और मैं लोगों को भी रेकमेंड करता हूँ कि कुछ बुक्स पढ़ने के बाद वापस जाके परिचय शिविर में बैठो, अलग अलग लोगों के परिचय शिविर में बैठो, क्योंकि लाइव जीने से आप चीजों को जोड़ पाओगे, नहीं तो आप थ्योरी में घूमते रहोगे, है ना? वो थियोरेटिकल स्टडी हो जाती है, ये प्रैक्टिकलाइजेशन है. सो द जीवन विद्या शिविर इन मेनी वेज इज वेरी पावरफुल. सही है भैया, सहमत है आपसे. ये आप करिए, इसके ऊपर टाइम स्पेंड एज मच एज यू वॉन्ट. मतलब आई हैड प्रपोज्ड कि जल्दी कर सकते हैं, बट लेट अस अंडरस्टैंड एंड गेट डेप्थ इनसाइट्स. हाँ नहीं, मैं तो आपने जो बोला उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जनरली ही बोल रहा हूँ. वो तो हो गया, वो वाली बात तो हो गई. एंड आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई वांट टू स्पेंड. ये फ्री फ्लो में है, आपको सच, आई डोंट कमिट एनी. मैं आज 5:25 तक, 27 मिनट तक मैं मूंगफली रोस्ट कर रहा था. फिर मेरी पत्नी ने याद दिलाया कि तुम्हारा सेशन है अभी 3 मिनट में. मैंने कहा याद आया तो मैं गया आया ऊपर एंड आई जस्ट सैट डाउन. तो ये फ्री फ्लो में चल रहा है, डोंट कम विद एनी, मतलब प्री डिसाइडेड नहीं है ये. यदि आपको बोर होता है तो इफ यू फील कि हाथ रेज नहीं करना है, देन वन ऑफ यू अनम्यूट एंड जस्ट ऐसा करो, तो देन आई विल गेट अ सिग्नल एंड यू डोंट हैव टू एक्सपोज हु यू आर, नो, बिकॉज़ आई डोंट नो हु इज क्लिकिंग. तो आपकी आइडेंटिटी भी प्रोटेक्टेड रहेगी. आप दो बार ऐसे क्लिक कीजिए, इट विल गिव मी एन इंडिकेशन कि ये बहुत हो गया, इस पर अभी आगे बढ़ो, है ना? ये सब पता है. तो ये हित दृष्टि प्रिय से बड़ी है और लाभ दृष्टि हित से भी बड़ी है. हित और प्रिय दोनों से बड़ी है हमारे. और लाभ में हम देखते हैं कि ये सारी चीजें होती है, और दुनिया जो है
तो आपके लिए जो गुड प्रॉफिट है मेरे लिए नहीं है, या आगे भी आपको काम आएगा, क्योंकि हम दर्शन पढ़ लिए फिर बहुत लोग नौकरी छोड़ देते हैं ना, जैसे मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, एक्चुअली दर्शन के संपर्क में आने के पहले ही छोड़ दी थी। जीवन निद्या शिविर करने के बाद मुझे पता चला कि ये लंबा करना पड़ेगा तो और पैसा तो लगेगा, तो मैं फिर नौकरी में आया, फिर छोड़ दी मैंने, मैं दो बार छोड़ा। बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, छोड़ने का सोचते हैं, तो छोड़ने मात्र से कुछ होगा ऐसा नहीं है, आपकी ये सब समझ थोड़ी विकसित हो जाएगी। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए वातावरण लगेगा। और आपने कुछ उत्पादन कर भी लिया, आप जब बेचने जाओगे आपके अंदर प्रिय दृष्टि मैंने लाभ काम कर रहा है कि न्याय करना, ये आपको फिर जांचना पड़ेगा, है ना। हमने टमाटर उगा लिए, टमाटर बेचते समय फिर हम प्रेशर में आएंगे कि मैंने इतना लागत डाल दिया उस पे, अब बेचते समय हमको प्रॉफिट चाहिए। सो प्रॉफिट का कोई, देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड प्रॉफिट, बिकॉज 2% से 200% तक है प्रॉफिट। आपके लिए जो फेयर प्राइस है मेरे लिए फेयर प्राइस नहीं हो सकता। दिस इज बिकॉज वी हैव डिफरेंट मेंटल पर्सपेक्टिव्स ऑन प्रॉफिट एंड डिफरिंग मटेरियल नीड्स। आपके लिए जो बड़ी घर है और इनफ मनी मेरे लिए नहीं, इसीलिए फेयर वैल्यू इज द सही थिंग, नॉट द राइट वैल्यू। आज के दिन दुनिया किस पे काम करती है, राइट वैल्यू पे काम करती है, एमआरपी पे। उसका कोई सच्चाई भी है, समबडी नीड्स टू म्यूट, है ना। तो फिर न्याय पर्सपेक्टिव का मतलब है, न्याय का क्या है, इट हेल्प्स अस व्यू इवैल्यूएट एंड जज Human responsibilities and duties in relationships. संबंधों में हमारा दायित्व और कर्तव्य क्या है, इसको बताता है। तो हमारी एनालिसिस उसको पूरे करने के लिए करती है। जैसे एक माँ है तो बच्चे को भोजन खिलाती है तो पैसे के लिए नहीं खिलाती है, है ना। इनफैक्ट लोग बच्चे को परवरिश करते हैं, अभी सब लोग अपने बच्चे के लिए इतना देते हैं, कोई लाभ कमाने के लिए तो बच्चा नहीं पैदा करता है। बहुत पहले के सोसाइटीज में ये बातें थी, अधिक बच्चे होने का मतलब अधिक समृद्ध, बिकॉज देयर आर मोर हैंड्स टू टिल द सॉइल, एक समय ऐसा था अधिक लोग, बट उसके बाद अधिक लोग का मतलब अधिक कॉस्ट, चार बच्चे का मतलब चार स्कूल फीस, चार यूनिफॉर्म का सेट, फिर भी लोग रखते हैं बच्चे, उसको पैदा बड़ा करते हैं। तो न्याय की कुछ ना कुछ तो एक आदमी में रहती है, हम ये नहीं बोल सकते कि केवल प्रिय है, वो क्लाउडेड है प्रिय से, है ना। ये एक बहुत महीन एक डिफरेंस है जिसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो पूरा न्याय भी नहीं है, पूरा प्रिय भी नहीं, बीच का कुछ है हमारे में भी। तो फिर एक माँ लाभ के लिए अपने बच्चे को नहीं करती है, बच्चे का देखभाल करते, अपने लाभ, अपने स्वास्थ्य, अपने प्रिय को ताक में रखते, हर माँ इसको करती है। सो दिस इज एन एबिलिटी अवेलेबल फ्री टू ऑल मदर्स, इसके लिए कोई दर्शन नहीं पढ़ना पड़ता, ये प्राकृतिक है। उसको करने का सही स्वरूप क्या है, ये दर्शन से मिलेगा, और हर पिता को भी ये मिलता ही है। कुछ रेयर केसेस दिखती हैं जहां पर लोग अपने बच्चे को ही बेच देते हैं, कभी डेस्परेशन में बेच देते हैं, बट ये बहुत कम है। सो व्हेन आर बिहेवियर विद द अदर ह्यूमन, सो व्हाट इज न्याय, सो व्हेन डज अ न्याय दृष्टि हैपन, इट टेक्स प्लेस व्हेन द रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स बिकम्स अ गाइडिंग पर्सपेक्टिव फॉर आवर इवैल्यूएशन and not profit and priya in that. ठीक? So, हमारा जब behavior with the other human is based on the recognition of the purpose of that relationship. क्या purpose? हम आगे पढ़ेंगे दर्शन में, इस शिविर में भी आएगा. And ये जो intrinsic values है और expectation है, जैसे सम्मान है, विश्वास है, स्नेह है, फिर हम कहेंगे justice in relationship has taken place. So, mutual fulfillment बराबर justice. तो जब म्यूचुअल फुलफिल नहीं हुआ, एक तरफा ही हुआ, तो जस्टिस के भाव से हम बैठे हैं, सामने वाला वहां पर खड़ा नहीं। जो इसके पहले एक दीदी बात कर रही थी कि भाई सामने वाला व्यक्ति के साथ फिर हम कैसा अपेक्षा करें, ये सारी चीजें आती है। जैसे एक रोते हुए बच्चे का माँ देखभाल करती है ना, तो ये प्रॉफिट के लिए नहीं है, यही पर यहाँ पर लिखा है। इनफैक्ट ये देखिए, ये स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए लिखा क्योंकि आज के दिन ये मेजर इश्यू है ना, बच्चे कृतज्ञ हो जाते हैं, They don't have gratitude, lack of gratitude, ingratitude हो जाता है, बाप ने क्या किया, कुछ नहीं किया, है ना। और ये modernist thinking में तो और भी बढ़ गया है, जबकि parents को बड़ा करना, parents ने हमको जो किया, बड़ा किया, शरीर किया, उसके लिए तो हमको कृतज्ञ तो होना पड़ेगा,
सो इट सुपरसीड्स अ प्रॉफिट हेल्थ एंड लाइफ पर्सपेक्टिव, ये वाली जो दृष्टि है। आज भी देखिए, अ जज कैन सेंड अ बिजनेसमैन टू जेल, जज के पास जस्टिस की पर्सपेक्टिव है ना, बिजनेसमैन के पास लाभ की पर्सपेक्टिव है। बिजनेसमैन कांट डू एनीथिंग टू द जज। हमारी सोशल सिस्टम में भी यही बनी हुई है, मतलब इस रिफ्लेक्शन ऑफ दिस दृष्टि इन अ कॉन्ट्रोवर्टेड वे। वहां जस्टिस क्या है नहीं पता, या कुछ कुछ पता है कुछ कुछ नहीं पता, बट आज भी ऐसा ही है, सिस्टम में भी यही दिखता है। और ये जो जस्टिस है ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरे ऑर्डर को बताता है। जैसे भारत सेक्युलर होगा ये एक ऑर्डर, कोई एक इस्लामिस्ट रिपब्लिक होगी वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये धर्म है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीइंग ऑफ एवरीथिंग इज धर्म। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बनावट, आपका अपना जो पूरा बनावट है, आपका ऑर्डरली वर्किंग का जो स्वरूप है, ये आपका धर्म। ये समझ में आता है धर्म क्या है? It takes many years to figure out what is dharma in the darshan at this level. अब हम प्रार्थना करते बेटा, है ना, हमारी पूरी फंक्शनिंग का जो सही स्वरूप है, पूरा हमारे क्रियाओं का, हमारी समझ का, हमारे जीने के आयामों का, अलग अलग दिशा कोण परिपेक्ष में जब हमको उसका स्वरूप उसका नियम समझ में आता है, इसका नाम है धर्म। इसको हम कहेंगे ऑर्डर या रेजोल्यूशन पर्सपेक्टिव, या तो पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन। अभी जिसको रिलीजन बोलते नहीं, तो पहला ट्रांसलेशन हुआ था मानव व्यवहार दर्शन का, तो हमारे मित्र ने किया था, हम बात कर रहे थे, तो मैंने रिलीजन सबको देखा था। तो रिलीजन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेलिगेयर, रेलिगेयर सिक्योरिटीज भी है कंपनी इंडिया में। रेलिगेयर मीन्स टू बी बाउंड बाय, जिससे आप बंधे हुए हैं, जिससे आप भाग नहीं सकते, ये आपसे अलग नहीं हो सकता है, ये आपका रिलीजन। तो यूजुअली अभी कुछ ऐसे रिलीजन है उसमें आप पैदा हो गए तो ही उस रिलीजन पे हो, नहीं तो आप उसमें कन्वर्ट ही नहीं हो सकते, यू आर बाउंड बाय दैट रिलीजन। बहुत ऐसे रिलीजन है जिसमें आप कन्वर्ट हो सकते हो और दूसरों को कन्वर्ट कर सकता है। आज भी ऐसे ही है इंटरेस्टिंगली, वो ये वाली पर्सपेक्टिव ये नहीं बोल रहा, उसके पीछे की मान्यता को कह रहा हूँ। I think Judaism is like that. You cannot convert yourself into a Jew. You're either born a Jew or you're not. Hinduism bhi aisa hi hai. Islam, Christianity, Buddhism mein conversion possible hai. You can convert in and out, back and forth. It allows, matlab that text allows it. Wo manyata usko allow karti hai. Then, uske manyata ke anusar, wo apna vyavhar, देखिए आज भी ऐसे ही है आदमी का फंक्शनिंग। देखिए मतलब दर्शन को मैं कभी कभी सोचता हूँ, इतना ब्यूटीफुल फाइंड है। देखिए न्यूटन वाज अ क्रिश्चियन, ही वाज अ बिलीविंग क्रिश्चियन, तो उन्होंने सच्चाई को पता किया, बट फाइनली क्रिश्चियनिटी के आधार पर ही वो जिए। तो आपका व्यवहार, आपका लाभ, आप क्या खाना खाएंगे, क्या वस्त्र पहनेंगे, किससे विवाह करेंगे, सब आपका रिलीजन तय करता है, क्योंकि रिलीजन की एक सोशल भी एक प्रभाव होती है। उसी के अनुसार मैं भी बैठा हूं, मुझे भी ये सब पढ़ने के बाद जो विवाह करना पड़ा मुझे वही करना पड़ा, क्योंकि कौन झंझट मोलेगा, है ना, मैंने ऐसा सोचा। कौन बैठ के बताते रहेगा मेरे घर वालों को, कुनबी को, कि भाई ये धर्म है, ये सत्य है, कौन समझेगा। इससे अच्छा ये लोग जो मानते उसको मान के करो, क्या तकलीफ। तो मैंने अपने कुनबी में ही विवाह की इससे बचने के लिए। और भी कारण थे, ऐसा नहीं है कि किसी से विवाह कर लिया, पर ये एक बहुत बड़ी चीज। तो दर्शन ये कह रहा है कि पूरा मतलब हम मानव के रूप में हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मैंने पुनः कहा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब गठन, संगठन, हाउ आर यू मेड एंड हाउ यू फंक्शन इज योर धर्म। उसका सही स्वरूप क्या है, मानव जाति के फंक्शनिंग का संपूर्ण सही स्वरूप क्या है, प्रकृति में जो भी हमको दिखता है ये सब के फंक्शनिंग का सही स्वरूप क्या है, है ना, और ये सभी चीजों का साथ में मिलाकर सही स्वरूप क्या है। दिस एंटायर मास्टर अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग के पहले उसका पिक्चर, एंड रिमेम्बर अंडरस्टैंडिंग का मतलब भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति, इट कुड बी एनी ऑफ द फोर।
एंड इसी क्रम से वो होता है, दिस इज कॉल्ड धर्म। ये पूरी जो पिक्चर है, आपको धर्म का भास हो सकता है ना। तो लोगों ने इसके बारे में सोचा है, लोगों ने अभी भी यूनिवर्सल रिलीजन के बारे में कल्पना की, ह्यूमनिज्म के बारे में कल्पना की। कहां से आ रहा है ये? इसी चीजों से आ रहा है ना। सो यू कैन सी दैट दिस पर्सपेक्टिव इज लार्जर देन जस्टिस, क्योंकि इसके आधार पर ही हम अभी मनुष्य के साथ व्यवहार करने चाहेंगे। आपका रिलीजन बताता आप कितने पत्नी रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, या आपकी शादी कैसे होगी। वेरी पावरफुल। सो व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द इनहेरेंट ऑर्डर इन आवर लिविंग, वी हैव व्हाट इज कॉल्ड इज, है ना, देखिए यहां पर लिखा है, व्हेन वी आर एबल टू थिंक एंड एक्ट बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर रिलेशनशिप इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लिविंग, इन आवर सेल्फ, ह्यूमन रिलेशन, रिलेशंस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, इंटर रिलेशनशिप इन नेचर, देन इट इज कॉल्ड धर्म। So this is obviously larger than this, this, this and this. Profit से भी बड़ा ये। जो आदमी religion को बिल्कुल नहीं मानता है, वो केवल profit के लिए पागल हो जाता है, या health के लिए पागल हो जाता है, या प्रिय के लिए पागल हो जाता है। प्रिय का मतलब भोगना, वाटर बेड, दारू, पब, घूमना, मजा मारना, ये पूरा प्रिय है। So this दृष्टि subsumes the other ones, ये उससे बड़ा है, है ना? तो इसका एक एग्जांपल दिया है, वी मेक प्लान्स एंड चॉइसेस फॉर द यूनिवर्सल एंड कॉमन ह्यूमन गुड इंस्टेड ऑफ बीइंग स्वेड बाय पर्सनल रिलेशनशिप, प्रॉफिट, हेल्थ और आवर ओन सेंसरी प्रेफरेंसेस। तो हमको हिस्ट्री में ऐसे लोग दिखते भी, इसका ये मतलब नहीं है धर्म पूरा समझ में आते, उस दृष्टि का उन्होंने प्रयोग किया या उस पर कुछ मेहनत की, ऐसे लोग हमको दिखते हैं। और ऐसे भी लोग दिखते हैं जिन्हों को इसका कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। ये धर्म वाला, इस पर कुछ बात करनी है? भैया मनीष बोल रहा था। हाँ अच्छा, नमस्ते नमस्ते। तो ये धर्म में जैसा बोलेंगे कि गुरु में लघु समाया रहता है, तो धर्म में न्याय समाया रहता है, ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि धर्म में आप अपना होना, जो अभी प्रारंभ में हम जब बात कर रहे थे ना कि वे संबंधों को कैसे समझा जाए, तो उस आदमी का होने का स्वरूप, आपके होने का स्वरूप समझने के बाद ही आप दोनों के बीच में इंटरेक्शन समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। तो ये जो आपका होने का स्वरूप और उसका होने का स्वरूप है, ये धर्म और सत्य से संबंधित है, उसके बेसिस पे आपकी संबंध डिफाइन है ना। सो दिस ओवरऑल पिक्चर विल डिसाइड कि आपके संबंध का स्वरूप क्या, जैसे पूरी प्रकृति, पूरी मानव जाति कैसे रहेगी, उसके बेसिस पे मैं संबंधों को समझने जाता हूँ, तब वो स्थाई होता है, नहीं तो उसका बेस ही हिला रहता है। और धर्म का आधार क्या है? धर्म का आधार है सत्य, सत्य की दृष्टि। सो दिस हेल्प्स अस व्यू, इवैल्यूएट एंड जज वेदर समथिंग एग्जिस्ट इन रियलिटी और इट डजंट, और द नेचर ऑफ रियलिटी। व्हेन यूजिंग दिस पर्सपेक्टिव वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्या समझ में आता है, क्या होता है, व्हाट एग्जिस्ट, व्हाई इट एग्जिस्ट, वो क्यों है और वो कैसा है, ये सारी चीजें हमको सत्य की दृष्टि से पता चलता है। तो अभी भी हम सत्य के बारे में सोचते हैं, तो इस दृष्टि का यदि हम उपयोग करते हैं तो सत्य सत्य जैसे लगेगा, या सत्य को यदि हम प्रिय दृष्टि से यदि एक्सेस करते हैं, है ना, तो आपके अनुसार सत्य हो जाएगा। इसी मध्यस्थ दर्शन का सत्य आपके अनुसार हो जाएगा, वो प्रिय से कलर्ड है। अभी सबका है ना, सत्य सबका अपना अपना होता है, बताते हैं, बहुत दर्शन भी ऐसे मानते हैं, मेनी दर्शन प्रज्यूम दैट द ट्रूथ इज रिलेटिव, ऐसे लिखा है ग्रंथों में, उनके कई ग्रंथों में लिखा है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सत्य के बारे में जो प्रोजेक्शन है सबका अपना अपना है, तो सत्य उद्देश्य है परंतु सत्य की दृष्टि पूरी स्थिर नहीं है, इसीलिए वो आधा अधूरा प्रोजेक्ट होता है। इसीलिए अलग अलग धर्म अलग अलग बोलते हैं, कोई बोलता है भगवान का स्वरूप है, कोई बोलता भगवान है ही नहीं, कोई बोलता भगवान निरूप है, कोई बोलता 50 भगवान है, कोई बोलता 32 प्रकार है, कोई बोलता 33 प्रकार है। इससे दुनिया चालित है, इससे हम भी चालित है, इससे सामने वाला व्यक्ति भी चालित है।
तो प्रायोरिटी ऑर्डर में मतलब हित प्रिय से बड़ा, लाभ हित से बड़ा, फिर न्याय लाभ से बड़ा और धर्म लाभ से, मतलब तो गुरु ऐसा प्रायोरिटी ऑर्डर में है। बिल्कुल, इसीलिए सत्य क्लियर हुए बिना धर्म बहुत क्लियर नहीं होगा एक अडल्ट के लिए। हम बच्चे को जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम हित से शुरू करेंगे, उसको न्याय समझने में टाइम आएगा, उसके लिए अच्छा बुरा बताएंगे। बच्चों को बताने शुरू करेंगे हम लाभ नहीं बताते पहले, हम न्याय को बताते हैं घर में, बेटा ऐसा मत बात कर, छोटे बच्चे को मत मार, गुस्सा मत कर, है ना, मेरी बात मान, बड़ों की बात मान, मुझे बेवकूफ मत बोल। मेरी बेटी मेरे को 3 दिन से बेवकूफ बोल के बुलाती है, तो मैं 3 दिन से उसको बोल रहा हूँ बाप को बेवकूफ मत बोल, क्योंकि वो किसी के घर में सुन लिए कि मैंने हमारे घर वालों में कोई बच्चे को बेवकूफ बोलता है हमारे भाषा में, वो मुझे वो भाषा लेके मेरे को बोलने लगती है, तो मेरे हिसाब से अन्याय हो जाएगा ना यदि वो मुझे बेवकूफ बोलेगी। फिर पागल भी बोल रही थी, अभी मराठी भी सीख रही है, तो मुझे देख के बोलते ए बावलट, है ना, वो बावलट का मतलब बुद्धू या पागल जो भी मराठी में। तो न्याय से शुरू करते हैं बच्चे को, और शिक्षा के वस्तु के रूप में धर्म और सत्य दोनों को, यदि हमारे पास उसका वस्तु है तो बताना पड़ेगा। अभी आधुनिक शिक्षा इससे बचता है, सत्य की दृष्टि से बचता है, वो रियलिटी से डील करता है, ट्रुथ के साथ डील नहीं करता। वो बोलता है ट्रुथ इज द डोमेन ऑफ रिलीजन, ये आप तुम्हारा अपना मान्यता है, इससे झंझटी मुक्त खोलता है। तो उसने ऑब्जेक्टिव बना दी, तो नेचर ऑफ रियलिटी को लेता है। नेचर ऑफ रियलिटी में पत्थर, पेड़ पौधे, है ना, पशु पक्षी और मनुष्य के शरीर, 4 चीजों को लेता है, उसके 2 पर्सपेक्टिव्स को समझता है, और हम आगे देखेंगे रूप और गुरु। तो यहां पर ये लिखा है, when we understand the truth we automatically understand the things reality is related in the remaining 5 perspectives of dristis. So ye kuch observations hain jo mahatvapurn hai, and today we'll stop with these dristis. Actually is book mein dekhiye ye vritti ki kriya mein hi itna sara bata diya, hum aage thoda ghoom ke imaging karke hum wapas aaye। ये बुक मैंने कल ग्रुप में भेज दी थी जो लोग पढ़ना चाहते, यदि आप में इसको कुछ अन्यथा भी लगता है तो भी बताना और फीडबैक भी देना। सो वी कैन सी दैट द पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइक्स हेल्थ एंड प्रॉफिट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड विद इन अ पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो वी ह्यूमंस कैन नॉट हैव द सेम सेंसरी प्रेफरेंसेस और चॉइसेस ऑन हेल्थ ऑफ मोशन और रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये पॉसिबल नहीं है, है ना। और अगले वाले जब हम सैटरडे को मिलेंगे तो क्योंकि जीवन और शरीर के बारे में बात करेंगे, तो हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे, और हेल्थ को लेकर जो अलग अलग अप्रोचेस हैं, जैसे एलोपैथिक व्यू है, एक व्यू है ऑफ हेल्थ जिसको एलोपैथी अभी बोलते हैं, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, आयुर्वेद के ब्रांचेस है, सिद्धा है, इन इन सभी के कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, इसके बारे में मैंने कुछ सोचा है आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि अभी हम सब मैंने बड़े होते हैं, हमारे आसपास लोग बीमार भी पड़ते हैं, तो हमको चॉइसेस ऑफ हेल्थ को लेकर, हेल्थ को लेकर चॉइसेस भी करनी होती है ना। इधर दर्शन इसके बारे में कुछ बताता नहीं है, दर्शन के आधार पर एनालिसिस बन पाता है। सो वी कैन हैव अ डायलॉग ऑन दैट, आई एम होपिंग कि आप लोग भी उसको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओगे। सो यू कैन सी दैट द एक्सपीरियंस ऑफ प्रेशर इज सब्जेक्टिव एंड डिफरेंट इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस डिफरेंट काइंड्स एंड अमाउंट्स ऑफ प्रेशर इन द सेम सिचुएशन। अच्छा मैं ये एक बता दूं, इस बुक में ना ये जैसे 74 लिखा है तो नीचे लिखा है शुल्स W फिजियोलॉजिकल रिव्यू, ये एक्चुअली लिया गया है। दैट्स बिकॉज़ मुझे क्या है, यदि अभी आई शुड क्लैरिफाई दिस क्योंकि ये बुक आपके पास गई है अभी। सो व्हेन यू गिव अ बुक इन एकेडमिक्स एक ही ऑथर का लिखा हुआ आप नहीं दे सकते, हाउ कैन यू गिव ओनली व्हाट इज रिटन बाय नागराज जी। सो आई हैड टू टेक मेनी रेफरेंसेस फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस, तो जहां जहां जो सूटेबल है मैंने ले लिया, कुछ सभी लोगों ने कुछ ना कुछ टिक टिक इधर उधर टुकड़े टुकड़े में बोला ही है। जैसे ये लाइन ये शुल्स के लिए, शुल्स इज ऑब्वियसली अ जर्मन, 74 वाला, बट इट मेक्स सेंस इन द दर्शन। सो डोंट गो एंड रीड शुल्स, है ना, जस्ट सेइंग इट। आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट लगभग 50-60-70 रेफरेंस निकाले मैंने इस बुक के लिए। मैं रैंडमली नेट पे देखता रहा कि कौन सी लाइन, कोई ठीक लाइन मिली, उस ऑथर को निकालता था, उस रिव्यू को निकालता था, उसको इस शिविर के मतलब बुक के किसी एक जगह पर उसको चिपका देता, एक रिवर्स फिटिंग है वो। मैंने शुल्स के आधार पर ये नहीं लिखा, मुझे जो लिखना है ये तय है, और इसको कौन बोला है मैंने उसको ढूंढा और निकाल के डाला, ठीक है ना, इट्स रिवर्स ये, बट डोंट टेल दिस टू द पब्लिशर।
if you meet him, we still don't have a permission. See? When we use the likes perspective to also evaluate issues related to human relationship between Nyay and justice with social order, matlab dharm and truth, we have different opinions and views. Since your preference for justice, order, truth may be different from mine. Aur ye ideology aur belief ke saath badalta hai. Like I said, isi madhyas darshan ke andar hi padhte samay aapki alag alag ideology aur belief banegi. Aapke apne चित्रण में पहले से जो इमेजेस हैं आपके अंदर पहले से जो वृत्तियां हैं है ना, आप मध्यस्थ दर्शन को प्रिय की दृष्टि से भी ले जाओगे, अधूरा न्याय भी बना लोगे हम, है ना, अपना आधा अधूरा सत्य का भी एक कुछ कल्पना बना लेंगे हम दर्शन में, हम लाभ में भी फंस सकते हैं दर्शन को लेकर, है ना। जैसे ये बुक हमने लिखी है भाई, भाई मान लो ये बिकती है, ये कल्पना करके बता रहा हूँ, है ना, ये अभी तो छपने की भी तैयारी में नहीं है, ये बिकते बहुत सारा पैसा आता है मैं इसमें डूब जाऊं, ये ऐसे बहुत सारा फेम आता है उसमें डूब जाऊं, ये सब होगा बिकॉज अंदर हमारे अंदर ये दृष्टियां हैं, है ना। सो ऑन द अदर हैंड द पर्सपेक्टिव्स ऑफ जस्टिस ऑर्डर एंड ट्रूथ या न्याय धर्म सत्य कैन बी द सेम, मैंने लिखा कैन बी इफ यू अंडरस्टैंड दे आर नॉट बेस्ड ऑन बायसेस और प्रेफरेंसेस। तो लास्ट वाला लाइन है, इसको पढ़ लेते हैं। So we can see how the presence, 1 minute, I need to mute someone. Who to mute? Somebody is near the wash basin. Okay. So हम ये देख सकते हैं कि किसी दृष्टि का होना presence या dominance, है ना, किसी में प्रिय बढ़ गया, किसी में लाभ बढ़ गया, किसी में यौवन चेतना बढ़ गई, या absence। अब मैं देखता हूँ कुछ लोगों में वो लाभ बोल ही है, मेरे घर में एक दो लोग ऐसे हैं, वो घाटे में ही चलता है ना, तो मैं कभी कभी मुझे रोकना पड़ता है कि भैया इतना भी घाटा मत करो, है ना, हमसे नहीं बनेगा। लाभ का अलाभ भी दृष्टि होता है एक आदमी में, अहित भी होता है, हित हो ही नहीं, गोल है, हित का दृष्टि ही गोल है एक आदमी, उसको कोई मतलब ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आ रहा उसके शरीर में क्या हो रहा है, वो डॉक्टर उसको औषधि देता वो खाता ही नहीं, वो ये पैसा देख के खाता है, फिर देखता है कि कौन सा सस्ता डॉक्टर है उसके पास जाऊं, ठीक, पैसा देख के फिर आदमी ठीक होना चाहता है। तो ये एब्सेंस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यदि आपको लोगों की स्टडी और दुनिया को स्टडी करना चाहते हैं, दिस डिस्ट्रीज आर ब्रिलियंट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, मुझे तो बहुत मजा आता है, मजा आया है और अभी भी आता है, वेरी एंजॉयबल, थरोली एंजॉयबल, है ना। So these six perspectives determine our views, thinking and our choices. View का मतलब चित्रण, thinking का मतलब विचार, choices का मतलब आस्वादन और चयन. So the activity of evaluating 4A is the subtler than the activity of tasting that we saw in the mind. मैंने actually यहाँ पर मन को mind लिखा है, but I would change it. I would call the chit the mind. Man, there is no word for man in English. So the activity or set of evaluating and thinking is also called disposition or vritti. Yeah, aapka disposition. This determines what kind of person you are or have become. इसीलिए चार बच्चे लॉ पढ़ते हैं, एक बच्चा पैसा कमाता है, एक बच्चा भला करना चाहता है लॉयर बन के, एक जज करप्शन होता है, एक जज करप्शन को रोकता है, ये डिटरमिन करता है, नॉट जस्ट योर डिग्री। डिग्री तो कुछ डिटरमिन नहीं करता है। आप इंजीनियर बन के फिर पैसे के पीछे जाओगे कि अपने काम के प्रति ईमानदार होगे कि बैलेंस लिविंग करोगे, ये दृष्टि डिटरमिन करती है। आप हमारे सारे इमेजेस को एक ये दृष्टि डिटरमिन करता है। इसी के साथ आपका कोटा भी पूरा हो गया, 9:32, वी हैव 1 or 2 minutes। यदि किसी को इसमें कुछ, मैं बाई चांस यहाँ बैठने के 2 मिनट पहले देखा कि इस बुक में और कुछ लिखा है, तो मैंने सोचा इसको यहाँ रख दो, आप इसको पढ़ी सकते हैं, लिखा ही हुआ है। हाँ जी, भैया एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? ओ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे आपने कल कहा था कि ये हम न्याय धर्म सत्य दृष्टि से तुलन करते वक्त, तो कभी कभी मतलब हम मानते हैं कि न्याय धर्म सत्य है, पर इट इज बेसिकली रिहित लाभ जी, मतलब दृष्टि वो रहती है पर हम मानते हैं कि वो न्याय कर रहे हैं, तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब इसका कैसे ये कर सकते हैं?
मतलब हम प्रिय हित लाभ प्रिय दृष्टि से ही कर रहे हैं या एक्चुअली न्याय दृष्टि है? देखिए प्रारंभिक, क्योंकि इसका लंबा आंसर है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें बहुत जूझना पड़ता है, इतना आसानी स्पेशली न्याय इतना आसानी से पकड़ में नहीं आता है। परंतु इसका छोटा आंसर ये होगा मेरे अनुसार कि एक तो हम न्याय के बारे में पर्याप्त पढ़े हैं कि नहीं। यदि हम चाहते हैं कि हम न्याय को इतना पढ़े ही नहीं और सोचे ही नहीं और हम न्याय कर रहे हैं तो कठिन है ना, क्योंकि वो डेटा ही नहीं है। देखिए यदि हम जीवन के फंक्शनिंग को यदि सोचे फॉर अ मोमेंट, न्याय है कि अन्याय है ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? हमारे अंदर कोई एक इमेज है, कहाँ गया भाई ये एक इमेज है ना, ऐसा करना है, बेटी सामने आई, बेटी ने ये किया तो मुझे ये करना है, दिस इज एन इमेज यू हैव। इसके बेसिस पे आपके अंदर कोई एक तुलन हुई, फिर आपका अंदर कोई विश्लेषण हुआ, इसको ऐसा बोलूंगा नहीं बोलूंगा, फिर एक चॉइस हुआ, न्याय किया कि नहीं किया का उत्तर के लिए ये इमेज सही है कि नहीं, ये जो मैंने इवेल्युएट किया ये सही है कि नहीं, उसका विश्लेषण सही है कि नहीं, उसके लिए भाषा मैंने सही किया कि नहीं, ये सारा चेक होना पड़ेगा है ना, और फिर वो बिहेवियर में उसका आउटकम सही निकला कि नहीं निकला, वहां तक जाता है न्याय, इतना लंबा है। अच्छा, अब बिहेवियर में अच्छा गया कि नहीं गया मेरे ओर से तो मैं देख सकता हूँ, 5 out of 10 times सामने वाले व्यक्ति को सही भी लग सकता नहीं भी लग सकता। जैसे छोटा बच्चा तो हमारा हर बात को वो अच्छा ही नहीं लगता, उसको हम उसकी बात माने तभी वो हमको अच्छा लगता है, वो हमको पसंद करता है ना। मेरी बेटी ने आज जिद किया कि मैं तुम्हारे साथ आज नहाऊंगी, अब खाने का टाइम था तो मैंने कैलकुलेट किया, मैंने एनालाइज किया, ठीक, एंड दिस ऑल हैपेंस वेरी फास्ट राइट इनसाइड अस, बहुत फास्ट है कि मैंने किया, ये खाने का टाइम है, 1 बज रहे हैं है ना, मेरे को भी भूख लगी है, अब यदि मैं इसकी बात नहीं मानूंगा ये एक स्पाइरल में जाएगी, यार मान लो इसको है ना, उसको उसके साथ में नहाया, 6.5 साल की है, आधा घंटा लगाया, उसका मूड मतलब उससे बिगड़ा नहीं, उसके बाद आधा खाई फिर भाग गए, आधा खिलाना पड़ा, ये पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम हुआ, उसके प्रिय को संतुष्ट करने के लिए मुझे अपना समय देना पड़ा। तो ये उस बच्चे के साथ न्याय हुआ, क्योंकि वो बच्चा न्याय जानता ही नहीं, वो अभी उसका जीवन उसका मन यहीं से ड्रिवन है, तो ये न्याय जैसे हुआ, मैं हर समय कर पाऊंगा क्या, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। सो एक तो हमने उस कॉन्टेक्स्ट में सही किया कि गलत किया, ये हमको अपने में तुलन करना पड़ता है बेस्ड ऑन एन इमेज, उस इमेज के मूल में उस संबंध का स्वरूप आपको क्लियर होना पड़ेगा कि ये बेटी का संबंध क्या है या संतान संबंध का स्वरूप क्या है और मैं किस जगह पर खड़ा हूँ, ये पूरा आपने पहले से वर्कआउट करके रखना पड़ेगा कि ये मैं संरक्षण की जगह खड़ा हूँ पिता होने के नाते, बच्चा रिसीविंग एंड में है, मैं उसका दृष्टा हूं, मैं उसको देखा, हर माँ बाप अपने बच्चे का दृष्टा रहता है, वो बच्चा केवल अपना प्रिय चाहता है, ये समय क्या है, ये पूरा बैकग्राउंड के कैलकुलेशन के साथ फिर एक डिसीजन है, एक निर्णय है, एक विचार है, एक एनालिसिस होके एक निर्णय है कि ये करेंगे। तो ये जो बैकग्राउंड इमेज है एज वी डू अध्ययन, दिस बैकग्राउंड इमेज विल कीप एक्सपेंडिंग एंड बिकमिंग एनरिचिंग। तो उसका चेक क्या है कि न्याय की ओर जा रहा है कि नहीं, वो इमेज सार्वभौम सार्वकालिक हो रहा है कि नहीं, यू हैव टू कीप चेकिंग, कितना विशाल है आपका इमेज, इज इट बिकमिंग यूनिवर्सल और इज इट रिलेटेड ओनली टू माय चाइल्ड, मेरी बेटी का स्वरूप है तो मेरे भाई की बेटी के साथ वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बता पाएगा कि हमारा न्याय पक्षपाती है कि नहीं है। सो वी विल ऑलवेज बी अप्रोचिंग न्याय, सी द डिफिकल्टी विद न्याय इज इट्स नॉट क्वांटिफाइएबल है ना, ये भाव है, तो उस भाव को ही हम अप्रोच करते होंगे। सो देर विल बी पीरियड्स ऑफ मोर न्याय, पीरियड्स ऑफ लेस न्याय, ऐसे हालांकि ये मेरी भाषा है मोर एंड लेस, बट ये होगा, और न्याय की विशालता हमारे में फैलती जाए जैसे हमारा अध्ययन बढ़ेगा, किसी जगह में जाके हम हर जगह उसको कर पाएंगे, हर संदर्भ में कर पाएंगे, हर व्यवहार में कर पाएंगे, और उसके साथ हमारे में ये जानकारी रहेगी कि ये सही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ बाहर आउटकम क्या हो रहा है, बाहर भी आउटकम सही होना चाहिए बट कई बार वो नहीं होगा, कोई रिश्वत मांग रहा मैं नहीं दूंगा तो वो तो उभयतृप्ति तो नहीं हुई ना उधर, वो आदमी तो दुखी होगा कि मैंने रिश्वत नहीं दिया, है ना। तो
उसको और हम न्याय के बारे में और लंबी चर्चा करेंगे, तो उसकी बारीकियों में जाएंगे तो न्याय ही विल बिकम लाइक अ वेरी बिग चार्ट अकॉर्डिंग टू मी. वी कैन डू इट, वी कैन अटेम्प्ट, करना ही पड़ेगा हमको, बट ये एक छोटा एग्जाम्पल है उसके लिए. जी भाई, तो इसकी सार्वभौमिकता क्या, हर व्यक्ति के साथ आप ऐसा कर रहे हैं, और उसकी सार्वकालिकता, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, इससे हमको पता चलेगा कि ये न्याय है कि प्रिय. और उसके मूल में उस संबंध की स्वीकृति और उसके सार्वभौमिक स्वरूप की स्वीकृति चाहिए. जैसे मैं आपसे मिलता हूं, किसी और से मिलता हूं, किसी व्यक्ति से मिलता हूं, तीनों ही मेरे मित्र हैं, आपके साथ एक अलग संबंध है, किसी के साथ एक अलग संबंध है, चौथे के साथ एक अलग संबंध है, क्योंकि वी आर ऑल डिफरेंट पीपल और हमारी ट्रांजैक्शन अलग अलग है. बट क्या इसके मूल में मेरे पास मित्र संबंध का कोई चित्र है या नहीं, जो कांस्टेंट है, जो नहीं बदल रहा है, उसके स्वरूप में फिर मैं आपके साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, तब वो न्याय की जगह जाएगा. देन इट इज अप्रोचिंग न्याय. ठीक है भैया, और कोई कुछ? चलिए बढ़िया, तो सी यू नेक्स्ट सैटरडे. एंड बाकी जो लोग ग्रुप में कंटिन्यू कर रहे हैं, होपफुली आप लोग करेंगे, ये बुक भी भेज दी, आप इसको भी डिस्कस कर सकते हो. हम नेक्स्ट बुक जो पढ़ने वाले हैं, वो आज ही उसका फॉर्मेटिंग पूरा हुआ, उसको भी मैंने भेज दिया है, वो पहली बार कोई पढ़ेगा उसको. इट्स अ न्यूली कंपाइल्ड बुक, दर्शन से ही कंपाइलेशन किया है, सो इट्स नॉट माई राइटिंग, नागराज जी का है राइटिंग है, कंपाइल्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. देर कैन बी मेनी सच ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मैंने कंपाइल किया, मेरे अनुसार ये उपयोगी है हमारे अध्ययन के लिए. आप में से जिन लोगों को ये बुक पढ़ के या ये वीडियो देख के या शिविर के नोट्स देख के, शिविर ऑडियो सुन के बोर हो रहा है, यू कैन स्टार्ट रीडिंग द बुक, है ना, ग्रुप्स में आप लोग डिसाइड करो, आपके ऊपर है. एंड देयर इज नो हार्म इन रीडिंग इट ट्वाइस. जो आज आपने भेजा आफ्टर परिचय शिविर, वो वाली बुक के बारे में बोल रहे हैं ना? ओह एक मिनट, मैं वो भेजा ही नहीं क्या? नहीं भेजा ना, और एक भेजा आपने? नहीं नहीं, परिचय शिविर, परिचय शिविर इंग्लिश में भेजा आपने वो? हाँ नहीं, और एक प्राथमिक वस्तु परिचय सहस्त्र, तो आज एक परिचय बोल के खूब भेजी है. हाँ भैया आई है, 4:45 को भेजा, आप देखेंगे, बताया ना 4:45 तक मैं उसको फॉर्मेटिंग कर रहा था, फिर मैं जाके. प्राथमिक वस्तु ये लिखा है अपने, परिचय शिविर के बाद हम इस पुस्तक का पठन करेंगे. ओके, वही जिनको अच्छा हो, इच्छा हो, अभी से पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं. ओके, आई अज्यूम्ड कि परिचय शिविर के बाद की बुक है ये. नहीं नहीं नहीं, हाँ परिचय शिविर के बाद की ही बुक है. दिस इज नागराज जी परिचय शिविर. If he had to conduct a Parichay Shivir, this is what it would be like, because this is what he has written in the Darshan. Okay. देखिए जो जीवन विद्या परिचय जो बुक है, it is actually नागराज जी परिचय शिविर. Okay. हम लोग जो कर रहे हैं वो कॉमिक स्ट्रिप है. ठीक है ना, वो बुक है, ये टिंटिन का कॉमिक्स है, हम लोग जो परिचय शिविर के नाम से चला रहे हैं, हम लोग मतलब मेरे साथ जो बंधु बांधव है. कंपेयर टू नागराज जी परिचय शिविर, विच इज अ मूवी, वी आर शोइंग अ कॉमिक स्ट्रिप. मतलब उसको और स्टेप डाउन करके, मतलब यू आर ट्राइंग टू मेक इट अप्रोचेबल, क्योंकि हम लोग पीसी से इसको अप्रोच किए. नागराज जी का परिचय शिविर जुप ऊपर से जाता है, ठीक है, उसकी वीडियो भी है. तो व्हेन वी वॉच जीवन विद्या, व्हेन वी रीड जीवन विद्या परिचय, उसके एसोसिएटेड एक वीडियो है जिसको हम देखेंगे, फिर उस बुक को पढ़ेंगे, फिर उसमें चर्चा करेंगे, उसमें मजा आएगा, है ना. परंतु वो बुक जो जीवन विद्या परिचय है, उनकी जो परिचय शिविर है, दैट इटसेल्फ इज वेरी कंडेंस्ड. तो ये जो मैंने भेजा है, ये पूरे दर्शन से जो सरल भाषा है, उसको हमने जो अभी परिचय शिविर किया, उसके क्रम में उस भाषा को सजाया है, है ना, एंड वस्तु को क्रमशः उसमें रखा है, संबंध, जीवन क्रिया, ये सब. तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ये बुक को यदि हम पढ़ेंगे, हम आगे भी पढ़ेंगे एज पार्ट ऑफ अवर कोर्स. आप इंडिविजुअली पढ़ना सकते, प्राइवेटली अभी भी पढ़ लो, या ग्रुप में पढ़ना है पढ़ लो, आपके ऊपर है. So you will actually be getting an overview of what is written in the entire Matthyasarshi literature in one book, because you usi literature se liya hua sentences. So by reading this book, you will have read some sentences from every book in the entire literature. So aapko ye confidence aa gaya ki literature ko aap pad sakte ho. Theek hai? Oh, lovely, lovely work. Okay. So this took many years, and ye finally ye formatting
ये किसी पुराने लंबी कहानी है, कभी चाय पे कभी बात करेंगे कैसी बनी बुक, बट फॉर नाउ इट इज डन एंड इट वॉज डन टूडे एट 4:45 PM जस्ट बिफोर आवर कॉल एंड आई हैव जस्ट सेंट इट आउट. उसके बाद में मूंगफली बूंद रहा था बिफोर द कॉल. ठीक है, बढ़िया. सो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं इस वीक. सो यू कैन, यू नीड नॉट, है ना, वेस्ट योर टाइम विद द परीक्षा शिविर एनी मोर. यू कैन स्टार्ट रीडिंग दिस बुक एंड उस बुक के कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ पर क्वेश्चन भी रेज कर सकते हो. वी विल टेक इट अप एंड वी विल रीरीड द बुक एज पार्ट ऑफ द कोर्स एंड वी विल अगेन गो ओवर इट, बिकॉज लाइक आई सेड, मेरा अपना पर्सनल, आई हैव रीड द बुक्स 8 times. आई स्टिल फील आई कैन रीड इट अनदर 8 times, है ना, ऑल द 12 books. सो समझने तक पढ़ते रहेंगे, ये है. चलिए बढ़िया, ठीक है भैया, नमस्ते करें. ओके जी, नमस्ते, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट सैटरडे, सी यू नेक्स्ट सैटरडे, बाय बाय. थैंक यू भैया, नमस्ते, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया.